आपको क्या लगता है मेरी अभी गलती है? हाँ है तो इस तरह के नहीं, एक्चुअली इतनी नाइव वो है नहीं जितनी वो बेवकूफ़ी वो कर गई, क्योंकि वो तो लड़की बड़ी लॉजिकल है। बच्चे आ गए थे एक दिन, सजल और कुबरा और ये सारे प्यारे गौहर गौहर। मैंने कहा बेटा आपकी पार्टी इस काम की वजह से, आप लोग की जनरेशन पार्टी करती है जरूर करें, लेकिन दिस वर्क इज नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टी। ये आपने ऐसी काम की बात कही है, ये एक बड़ा कॉमन जुमला है अक्सर औकात में सुनती हूँ। बस आपका स्क्रिप्ट तो ये है लेकिन मिलकर बना लेंगे, ये हमने कभी नहीं सुना था अपनी जिंदगी में। टीवी में एक लेवल होता था, तो वो एक और बात थी। और एक लफ्ज उसका चेंज करना जुर्म था आर्टिस्ट के लिए। एक ब्लंडर ये है, मुर्तसिम को उसने फोन किया है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है। अरे तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो? हाँ, अरे बंदूकें लो, गाड़ियां लो, तो पहुंचो उसके गांव जहां तुमने अपने नौकर को भेज दिया। बस हया को नहीं वो कुछ कहती, बाकी तो मीरा व मरियम पे तो बड़ा उनका हुआ है। हया को भी थप्पड़ लगाया शायद, मेरे को लगा याद नहीं आ रहा। नहीं हया को नहीं नहीं मारा, अल्लाह बाल नोचने चाहिए थे उसके। लड़कों को खड़े होना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए और वो बड़े बाइज्जत लगेंगे सारी जिंदगी। उनकी बीवी और उनकी ससुराल उनकी इज्जत करेगी। अपने बलबूते पे क्यों नहीं करते आप लोग? क्या करें चाहिए होती है कि इतने साल बाद ही आप डिसीजन लें? देखिए इसका कोई प्लान नहीं होता, कोई रेमेडी भी नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। और मैं एक बात जरूर कहती हूँ, पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे डिफरेंट। दो डिफरेंट लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। भाई ये तो बड़े मजे की है, भाई लाइक इतना सोबर सा है, बाद में वो बोरिंग लगता है और वो छिछोरी लगती है। पहली दफा किसी यूट्यूब चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया पता चला। और इतना लंबा कि चार दफा चला सकती हूँ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है, मुझे एक्चुअली नहीं समझ आ रही कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं। नेटफ्लिक्स पे एक शो आता है जिसका नाम है माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एंड आई थिंक ये लाइन आज जो मेरी मेहमान है उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कहूँगी वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। उनके टैलेंट के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए, वो सब काम जो उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क के लिए किया है। द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट आई थिंक पाकिस्तान इज़ सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव हर। वी आर सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव हर एज आर सीनियर, एंड आई थिंक आज की जनरेशन के लिए वो एक बहुत खूबसूरत रोल मॉडल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया जब उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, उस वक्त से लेकर आज तक। तो आइए मिलते हैं पुशा अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस वक्त बड़ा घबराई हूँ। तो आप बड़ी रवानी से बोलती हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि इतने आपने माशाल्लाह से इंटरव्यूज दिए हैं, इतने जब मैं देखी थी मैंने कहा, बंद किया मैंने लैपटॉप, मैंने मतलब हमारे हैं एडिटर तो उनको मैसेज किया, मैंने कहा मतलब मेरे पास एक सवाल नहीं है क्योंकि उन्होंने सब सवालों के जवाब दे दिए। हाँ बहुत सारी बातें, तो मैं अपने आप से बोर ही हो गई वैसे। तो ये भी था और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना बॉडी ऑफ वर्क जिसको बहुत दफ़ा रिकग्नाइज भी किया गया है इंडस्ट्री ने, इंडिविजुअल्स ने, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माशाल्लाह से, तो मैं क्या बोलूँ कि वो आपके यू नो आपके शायान शान हो। तो इसलिए मुझे ये हो रहा था कि क्योंकि मुझे लगता है बोलो तो ऐसी चीज़ बोलो जो उस पर्सनालिटी के साथ जाए भी। तो फिर मैंने एक सिंपल सी चीज़ रखी जो मैंने आपके लिए बोलती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन जितना मैं कल आपको सुन रही थी तो मुझे लगा एक और नया यू नो रूप मैं आपका देख रही थी। बस वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपकी आपकी पर्सनालिटी में ऐड होते जाते हैं। यू कीप ग्रोइंग एंड देन थोड़ा थोड़ा विजडम जो है वो इम्प्रूव होता है। मैं कह नहीं रही कि बड़ा विजडम ऐड हो गया, बट थोड़ा सा आप ज़िंदगी से देखते हैं, ज़िंदगी को अपने पाँव पे चल के देखा होता है तो बहुत कुछ सीखा होता है लोगों से सुन के। बड़े और अच्छे बड़े लोगों के पास बैठने का भी मौका मिला ना, वो मौका हमारी अब जनरेशन को कम मिल रहा है, क्योंकि वो लोग अब वैसे लोग हैं नहीं, वो जनरेशन ही चली गई। हम तो पले बड़े ऐसे घर में थे जहाँ बड़े बड़े लोग आते थे। सही बात है। सो उसमें हमने क्या सीखना था, मगर उनको सुनना ही एक बड़ी बात थी। मेरा तो दिल चाहता है मैं आपके साथ एक सीरीज़ ऑफ यू नो एपिसोड्स करूँ जिसमें ये जितना आपने ये एब्जॉर्ब किया हुआ है ना वो मैं आपसे लेती जाऊँ, वो हम और लोगों को सुनाती जाएँ, बिकॉज रियली आपके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं और इतने लोगों के बारे में आप इतनी चीज़ें बता सकती हैं जो शायद हम सब जानना चाहते हैं या नहीं पता है हमें। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, आप नए शो पे काम कर रही हैं? आजकल चल रहा है एक तो तेरे बिन, अदर देन तेरे बिन, मैं यही कहने वाली थी, अदर देन माँ बेगम एंड तेरे बिन इन द क्रेजी फैंडम। तेरे बिन तो खैर भी शूटिंग तो खत्म हो गई, एक और बेचारा भी मेरा प्ले चल रहा था तेरे बिना मैं नहीं, तो वो एक्चुअली नामों की सिमिलैरिटी भी हुई और हमारे तेरे बिन ने बहुत सारे और ड्रामों को भी खा लिया। तो हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेरे बिना मैं नहीं भी बहुत अच्छा प्ले है, मैंने देखा है और उसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी रियलिस्टिक उस पर है, लेकिन इसका एक डिफरेंट समझे, दे हैव क्रिएटेड अ फैंटेसी और फैंटेसी सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल।
हाँ, अब इसके बाद मैं कुछ अलग सा करने वाली हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि एक अखबार में भी आया है, तो मैंने फिर कहा मैं थिएटर की तरफ जा रही हूँ. ओके. जिसके अंदर के मेरी अकेले कुछ परफॉर्मेंस है. अब उसको स्टैंड अप तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्टैंड अप के साथ ही दिमाग में कुछ आ जाता है, जो कि बाहर के मुल्कों में ये एक बड़ा वो है, या यहाँ कहते थे वन मैन शो. तो मैं तो मैन भी नहीं हूँ, तो बट एक शाम मेरे साथ हुआ करेगी. और उसमें मैं कोशिश करूँगी कि अपने स्टाइल में लोगों को एंटरटेन कर सकूँ. सो उसमें एंटरटेनिंग एलिमेंट कितना होगा और कैसा होगा, लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ. ज़ाहिर है लोगों को पता है मैं केले के छिलके में से फिसल के तो हंसा नहीं सकती किसी को. सही बात है. सो आई नीड टू क्रिएट अ कंटेंट एंड आई नीड टू परफॉर्म इट वेल एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड से ज़्यादा टेंशन में हूँ. चैलेंजिंग लग रहा है आपको? हाँ, चैलेंजिंग लग रहा है. और बहुत दिनों के बाद मैंने इस बात को अब्जॉर्ब भी किया और एक्सेप्ट भी किया. दावर जो बहुत ही अच्छे, दावर महमूद बड़े ज़बरदस्त थिएटर के डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े वेंचर्स कर चुके हैं. अनवर साहब के आंगन टेढ़ा से लेकर 14 तो पौने तो सवा तो. सही बात. और फिर वो अपने काम के बड़े, इस वक्त इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान हु कैन डू दिस. वो अग्रेसिवली एक जो जंगजू किस्म का डायरेक्टर होता है, वो मेरी जान के पीछे था. छुरी भैया, उनका वो ड्रामा सियाचिन का, मैं कुछ लोगों से बात की है, जो उन्होंने जो उन बच्चों लड़कों के साथ किया जो सियाचिन के थे, उनको बंद करके. कल ही वी वर टॉकिंग टू समबडी जिन्होंने, तो वो जो बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो रहा था कि वो ही, हाउ पर्टिकुलर ही इज अबाउट थिंग्स. वो खुद ही कह रहे होते हैं कि एक भूत है वो. लेकिन मैं हर उस अदर देन दैट, बिकॉज वो ज़ाहिर है बच्चों को, नए बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनका अपना मेथड है. मेरे साथ ज़रा और तरह की रिलेशन है, बट मैंने उनको कहा व्हेन आई एक्सेप्ट समबडी एज अ डायरेक्टर, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, मेरी उम्र से ज़ाहिर है मेरे बच्चों की तरह ही हो, आई बिकम अ वेजिटेबल. फिर जो डायरेक्टर कहता है, चाहे मुझे वो अच्छा लगे या ना लगे, व्हेन आई एक्सेप्ट समथिंग व्हेन आई हैव टू डू इट. सो मुझे पता है वो अपना क्राफ्ट जानते हैं, और मैं और वो मिलकर कुछ डिवेलप करेंगे. मैंने उनको कहा तो मुझे आराम से बताना ये चीज़ मजे की है और ये चीज़ नहीं है. आई एम रेडी फॉर दैट. सही बात है. सो लेट्स होप क्या होता है. सिर्फ एक चीज़ उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगी, आप लोगों ने ये सोचा कि जनरेशन जी जिनको हम बोलते हैं, उनके टेस्ट को, उनके अल्फाज को, उनकी कुछ चीज़ों को भी हम इसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, या फिर ये थोड़े से मैच्योर? देखिए, मैं एक बात कहूँ जो कि मुझे लगता है कि ओल्ड स्कूल जो है ना, वो हमारे यहाँ जो कॉमिक काम भी हुआ है, टेलीविज़न का मैं कहूँगी, फिल्म में तो बहुत ही बच्चों के लेवल पे होता था. कोई मोटा था तो हंस पड़ते थे, कोई फिसल जाता था, किसी के नलके से पानी नहीं आ रहा था, हंस पड़े थे. उस वक्त तो मासूम लोग थे. टेलीविज़न पे जो ह्यूमर हुआ है, उसके अंदर उसके कंटेंट में कोई एक सेंस होता था, और बहरहाल सेंसरशिप तो थी ही थी उसमें. अब ये आप ओल्ड स्कूल कहें या मुझे नहीं पता इसको क्या कहें, बेसिक लेवल की तहजीब जो थी वो रहती थी उसमें ना, वो अच्छी चीज़ थी ना. बिल्कुल. अब मैं देख रही हूँ पिछले दिनों से स्टैंड अप्स देख रही हूँ बाहर के, यहाँ के भी, उस पर ज़बान पे अच्छा कंटेंट नहीं आ रहा. अब अगर उसको यूथ कहे कि ये लेटेस्ट है या ये कूल है या ज़रूरी है बिलो द बेल्ट मजाक करना या रिलीजियस रिलेटेड मजाक करना या आई मीन इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, तो अगर उस पर हंसी आती, मुझे समझ में ये नहीं आता सीरियसली. वैसे भी अदरवाइज़ अब नहीं, पहले भी ऐसे होता था कई दफ़ा, लोग गंदे जोक्स पे हंसते थे. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी कोई बन रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे एक बात कर रही हूँ, लोग गंदे लफ्ज़ों पे हंस रहे होते थे, गंदी गालियों पे भी लोग हंसते हैं, बुरी बातों पे भी लोग हंसते हैं, हंसी आती होगी, हमें क्यों नहीं आती. ये नहीं कि हमारे घर में कोई डंडा लेके हमारे सर पर खड़ा था कि खबरदार. उसके अलावा भी मैं तो बड़ी दिलचस्प औरत हूँ, मेरे पास तो जो मेरे दोस्त बैठते हैं हम लोग बहुत मज़ा करते हैं, कोई मेरी कंपनी में बोर नहीं होता. मैं कोई गंदा लफ्ज़ नहीं बोलती, मैं कोई गंदी गाली नहीं देती. ज़रूरत क्या है गंदी चीज़ों के नाम लेने की, समझ नहीं आता कि मतलब क्या. तो वो मैं सॉरी इस तरफ आ गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर इसको आप लेटेस्ट ट्रेंड समझते हैं टू टॉक अबाउट एनी थिंग, जेंडर, सेक्स, रिलीजियस एलिमेंट्स, वो चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रा डिक्शनरी से थोड़ी बाहर है. कुछ इश्यूज़ होते हैं जिनके पर आप बात कर सकते हैं, मगर बहुत ही एक मोहतात अंदाज में, तो वो शायद कॉमिक नहीं होते. मसलन मिसाल के तौर पे ऐसे मैं कह रही हूँ, अगर हम ट्रांसजेंडर का मजाक उड़ाएंगे और किसी को हंसी आएगी, आई डोंट लाइक इट. मुझे तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि क्यों हम हर वक्त हर फिल्म हर ड्रामे में एक आदमी को ट्रांसजेंडर बना के और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको झुकते मारते हैं. वाई नहीं होना चाहिए. ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. ऐसा ये जैसे पुराने ज़माने में नाबीना के साथ लोग मजाक करते थे, जो लंगड़ा रहा होता था उसके साथ मजाक कर रहे होते थे, किसी का हाथ टूटा होता था उसको टुंडा कहते थे. आई मीन ये अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स में चीज़ें आ रही हैं,
या इसके जैसी आ रही है, तो वो तो मेरे पास नहीं है. ओके नहीं, और जो ऑडियंस मुझसे मिलने आएगी उनको पता है कि मैं ये काम नहीं करती. नहीं, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने ये क्लैरिफाई किया, एंड मेरी आपसे यही उम्मीद है, और मैं खुश हूँ कि आप ये कह रही हैं. बिल्कुल ये मेरा मतलब नहीं था. मेरा मतलब सिर्फ ये था, एंड जनरेशन जी को मैं थोड़ा सा डिफेंड भी कर लूँ इस उसमें, इन टर्म्स के टर्मिनोलॉजीज वो क्या यूज़ करें या रेफरेंसेज वो क्या यूज़ करें, बस इस तरह मेरे जहन में. देखिए मैं आपको फिर बताऊँ, ये देखिए एक मिनट, अगर मैं कहें जी आपदा परवीन का कहीं गाना है, बड़ी सिंगर है, और अब ज़माने के साथ उनको चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा ना. आपदा परवीन को जो सुनने आएगा, आप बच्चे हैं, आपसे भी छोटी जनरेशन उनको प्यार करती है, वो कैसे इस वक्त कहेंगे कि डिस्को दीवाने, वो तो नहीं कर सकती ना. आपने मुझे भी शर्मिंदा कर दिया मेरे सवाल पे. आप खुद ही सोचे, फरीदा खानम आई या नहीं, नहीं सॉरी, इवन फॉर दैट मैटर अगर ताहिरा सैयद आई है तो ताहिरा सैयद तो यूं ही गाती है ना. हाँ, बिल्कुल, आप यही सुन देखने तो आए हैं ना. और अगर आपको नहीं देखना वो कैसे करेंगी, ओह वो तो नहीं करेंगी ऐसे. तो मैं तो जो करती आई हूँ सही है, वो देखने वही लोग आएंगे जो उसको जानते हैं. जस्टिफाइड, सही कह रही हैं आप. माय अपोलॉजी, मुझे सोचना चाहिए था. नहीं नहीं, आपने बात सही पूछी. नहीं नहीं नहीं, आप किसी की एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि मैं सेवन अप की बोतल मुंह से खोल लूंगी. नो अनवर साहब, मैं, मुईन, उमर शरीफ, इवन देखे उमर शरीफ अलग काम करते थे बिल्कुल, और उनका लगता बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, लेकिन कभी आपने एक लफ्ज भी उनके मुंह से बुरा नहीं सुना. मैं लच्चर का लफ्ज भी नहीं यूज करूंगी. मुईन तो करते ही नहीं थे, अनवर साहब भी नहीं करते थे, मैं भी नहीं करती. आप अगर उमर शरीफ को, हम लोगों से वो अलग तरह का काम करते थे, चलो थोड़ा औरतों को ऐसे कर लेते थे कि मेकअप लगाती है तो ये होता होता है, बट गंदी बात कभी की नहीं उन्होंने ना, गंदा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया. मैं इसको गंदा ही कहूँगी, बुरा नहीं. सही है, तो चीज़ें आपको पता होती हैं आप कहाँ तक जा सकते हैं. किसी का दिल चाहे तो वो आ जाए मुझसे मिलने, अगर किसी का दिल चाहे वो बातें सुनने का तो चला जाए कहीं और. सही, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता भी नहीं चलता कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है. मैं तो सुनती रह जाती हूँ, इसको याद नहीं रहा ये क्या कह रहा है. हमारे सेट पर ही कई दफ़ा, हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, और वो बात करते करते एक जैसे बम्बैया लैंग्वेज में कुछ होते हैं ना लफ्ज़ जिनका ख्याल नहीं रहता, और वो अब आपकी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की लाइफ में नहीं है. मैंने उनको मना नहीं किया, लेकिन शुक्र है उन्होंने ना, मेरी नीसेस बोलती हैं वो लफ्ज़. अरे कोई आराम से एक लड़की कह लेगी, बस मैं दोहरा नहीं सकती. मैं वहाँ गई फिर ये हुआ तो अल्लाह मेरे तो मैंने कहा अल्लाह ये कह दिया, इसको याद नहीं कि मैं भी बैठी हूँ. मैंने कहा अच्छा अच्छा, और मैं ये भी नहीं कह सकी कि बेटा तुम कैसी बात कर रही हो, इसका क्या मतलब है, तुम क्या नहीं. तो ये चीज़ें ज़िंदगी में आ तो गई हैं, ए बी सी डी वगैरह तक चले गए लोग, बट हम तो नहीं अब ये कर सकते. नहीं नहीं, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, एंड थैंक यू फॉर सेइंग दैट, एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग टू इट. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. पाकिस्तान क्या है आपके लिए? ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर आप भी सोचेंगे क्या क्लीशेड सा सवाल है, क्या ऑफ कोर्स पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अच्छा होता है अगर उन जज्बात को अल्फाज में डाल लें, और सुनने वालों को भी एक याद आ जाती है. तो पाकिस्तान का सोचती हूँ तो क्या ख्याल आता है? बहुत 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 दिल दुखता है. और अब तो मैं सबसे कहती हूँ, नमाज़ों में अब हम वैसे भी ठीक है, मैं ये नहीं बताइए मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के साथ अब पाकिस्तान की दुआ मांगनी बहुत ज़रूरी हो गई. अब दुआओं पे आ गए हम, हमारी आँखों के सामने हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, और किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया गया है आवाम को, और किस तरह से उनका ये हाल कर दिया है कि आप कभी सोचे कि इतने डाकू होते थे जो सड़क पर लूटते थे, अच्छे खासे घरों के लड़के डाकू बन गए हैं, वो मजबूर हैं. मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता, मुझे उन पर आता है जिन्होंने उनको यहाँ मजबूर किया, पढ़ाई के बावजूद उनको जॉब नहीं मिलती नहीं. पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान के साथ वो हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान सबका है और किसी का भी नहीं. मुझे पाकिस्तान से, मेरी इतनी पर्सनल जो अटैचमेंट अपने लेवल पे है कि मैं 81 में ग्रीन कार्ड पे अमेरिका चली गई थी. मेरी बड़ी बहन ने स्पॉन्सर किया था, नीलम बाजी ने, और मैं और अंसारी साहब और नरिमान को लेके 2 महीने में वापस आ गई थी. मैंने कहा मैं नहीं, ओवल तो बहुत ही बर्फानी जगह पे चली गई थी, वहाँ जाके मैंने कहा अल्लाह मैं ना, हमें कोई जानता था ना पहचानता था. अब तो बहुत जानते पहचानते तो बहुत जानते. मैं कैनेडा की रेजिडेंट हूँ, मैं आती जाती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं वहाँ, मुझे जाहिर है, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत तो अपने दिल से कहीं दूर हो रही. और मैं ये भी कभी भी नहीं कहती कि यहाँ तो ये है, वहाँ तो, यहाँ तो बकवास है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं तो लोगों की आंखों में प्यार का ही देना नहीं दे सकती जो मेरे लिए उनके दिल में प्यार है. मेरे मुझे देख के लोग एयरपोर्ट पर जब प्यार से देखते हैं, मुस्कुराते, सलाम करते, तो यही मेरा कर्ज पूरा नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी तक. मैं कैसे कह दूँ पाकिस्तान बड़ा ख़राब है, अब तो यहाँ रहने का कोई हाल नहीं है, ये तो इन्होंने वो कर दिया, मेरा तो दिल चाहता चली जाऊँ, यहाँ की सड़कें ही हों. मैं ये कभी भी नहीं कहती.
बस ये कहते हो अल्लाह मियाँ बस पाकिस्तान को सलामती दे, और खुदा करे कि कभी ऐसा हम देख सकें कि हम जो कुछ हो चुका है उसको रिवर्स ही देख सकें। चलो बट जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी बेटी है मुझे बहुत प्यारी है, मेरा दिल यू नो इसकी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या ये चीज़ें मैं सोचती हूँ तो मेरे दिल में कुछ होता है, तो अगर पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ आप कहना चाहें तो आप क्या कहेंगी? ये तो हमने एक हकीकत वाली बात कही, एक खूबसूरत बात अगर हम पाकिस्तान के बारे में कहना चाहें तो हम क्या कहेंगे जिससे कि ये आपका अपना है? देखिए पाकिस्तान कोई एक पहाड़ का नाम नहीं है, एक समंदर का नाम नहीं है, एक प्लॉट का नाम नहीं है। पाकिस्तान लोग होते हैं, लोग होते हैं जो किसी जगह को बनाते हैं। लोगों को हमने वो द पीरियड जो 75 साल में जो कुछ ये पॉलिटिकली हुआ है, मैं उसको ही कहूँगी, हमने लोगों की मोरालिटी छीन ली है। हमने उनको किसी तरह मिसगाइड भी किया है, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी किसी पार्टी के नाम पे, कभी किसी, तो उनकी मोरालिटी को तबाह करने में बहुत टाइम खर्च किया है हम लोगों ने, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अब सिर्फ ना तो कोई किसी तरह का कोई लिहाज मुरब्बत रही है, ना कोई एक्चुअल मज़हब की वो रही है हुरमत, जिसे कहते हैं ना, हाँ हुरमत इज़ द राइट वर्ड, कि आपका मज़हब तो पहले बेसिक राइट्स बताता है, इंसानों के साथ सलूक अच्छा करें, पीसफुल है, हाँ पीसफुल है, आप लोगों का ख्याल करें और लोग एहसास करें। तो अब तो हालात ही नहीं कि कोई अपनी माँ बहनों को या अपने माँ बाप को ही देख ले, मजबूर है वो, अगर वो दो रोटियाँ और 20 लोगों को खिलानी, वो कहेगा पहले मैं तो खा लूँ। तो वो चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ होती रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, हमें अपने, मैं कहती हूँ पहले हम तो कचरा फेंकना छोड़ें, सही बात, सही कह, सिर्फ पहले हम तो सिग्नल को पहले हम तो करें, हम नाक पोंछ के क्यों फेंक देते हैं टिशू को, हम सिग्नल क्रॉस ना करें, हम दूसरे को रास्ता दें, हम किसी इंसान की बात सुने, थोड़ा कंसिडरेट हो जाए हम सिर्फ, तो फ़र्क पड़ेगा शायद, वरना ये हम लोगों पे कहेंगे ये करें तो वो करें, इनका काम है हमें यूँ, हम टैक्स देते हैं हमारा ये क्यों नहीं करते? अरे भाई हम तो टैक्स देते हैं क्योंकि हमें देना पड़ता है, वो काट लेते हैं हमारा टैक्स, मजबूरी है, मगर अफसोस कि वो वहाँ नहीं लगता जहाँ हम लगना चाहिए। सो पाकिस्तान तो बहुत तकलीफ़ में है, तो जो तकलीफ़ में होता है उसको छोड़ के तो नहीं जाते, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बहुत डिबेट होती है, लोग कहते हैं ड्रामे इंटरटेनमेंट के लिए हैं, बस उसको एज इंटरटेनमेंट ही देखो, आपको क्या लगता है क्या ड्रामे इंसान की सोच को चेंज कर सकते हैं, इंसान की सोच पे इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए हम फिर वही बात करेंगे, हम तो कंपैरिजन में रहते हैं ना, हमारा ज़माना PTV का तो हम ये ज़माना यूँ, तो बच्चों को तो ये नहीं मिला ना कंपैरिजन, हमारे जो अब बच्चे काम जी, मैं फिर भी उनको अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमने वो सब देखा हुआ है जो जिस कॉन्टेंट में कोई बात होती थी, कोई मोटिवेशन होती थी, कोई सबक होता था, और लिखने वाले लिटरेचर से रिलेटेड लोग थे, ऐसे थोड़ी कुट के मोर आगे आ जाता था अंडर मैट्रिक, सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रही जो अब लिख रहे हैं अंडर मैट्रिक ही है, मगर सेंसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। जो उस ज़माने के लोग थे वो रेडियो से आए थे, रेडियो से भी वो आए थे जो लिटरेचर से, जिनकी किताबें नावल पता नहीं क्या क्या था, आम शाम बंदे का तो काम ही नहीं था कि वो PTV में घुस के लिखने की बात ही कर ले। मैंने पहला सीरियल जिसकी कहानी बुनी थी और मैंने नाम नहीं दिया था, उसका नाम इकबाल अंसारी के नाम पे था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं कहती कि अमावस मैंने मेरी कहानी है। फिर उन्होंने ड्रामेटाइज़ करवाया था, एक बहुत हमारे अच्छे सहाफ़ी थे अहमद सलीम साहब, और मैं सामने भी नहीं आती थी, कहानी मैंने बुनी थी उसकी, वो बड़े बड़ा हिट आपकी उससे था, मेरी कहानी थी, मतलब नीला नहीं, नीली धूप तो पहला प्ले था, वो तो मैंने लिखा था, अच्छा मैं समझी वो पहला, नहीं वो तो सिंगल प्ले था, लेकिन अमावस एक सीरियल था जो बड़ा मशहूर था, मैं और आसिफ रजा मीर थे, तो मैं उनके साथ ना अंसारी साहब के साथ मिलकर उसकी कहानी डेवलप हम करते थे, और वो फिर राइटर को बताते थे। मैं बता ये रही हूँ कि मेरी इतनी जरूरत नहीं थी कि मैं कहती कि जी मैंने ड्रामा लिखना है। PTV में एक लेवल होता था जब जिसमें कि बानो कुदसिया और हसीना मुइन और अशफाक अहमद साहब, और तो वो एक और बात थी उसके अंदर कोई कंटेंट में, और एक लफ्ज़ लिख इसको चेंज करना जुर्म था आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट को इजाज़त नहीं थी कि वो एक लफ्ज़ चेंज कर ले। क्या उसका रिदम होता था, क्या स्क्रीन प्ले होता था, मैंने भी किए अच्छे नूरुल्लाह शाह का लिखा हुआ ड्रामा, कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ लें, अब वो लिखना छोड़ गई, मुझे उसका बड़ा दुख है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक है एंटरटेनमेंट हमारी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, और कमर्शियल ड्रामे ने हम लोगों को माली आसूदगी दी है, सही बात है। शुरू में जब PTV पे हम काम करते थे तो 800 रुपये का चेक होता था, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर खड़े रिक्शे को हाथ दे रहे होते थे, और फिर आखिर में जब वो बीमार होते थे तो उनको कोई उनके पास फाइनेंशियल, ये बहुत अफसोसनाक बात थी। फिर जब कमर्शियल ड्रामा आया उसके साथ ही लोगों के हालात बेहतर हुए। अभी इस वक्त जो मुलाजमीन का रोल भी करते हैं घर में या
माइनर रोल करते हैं या समझ लें जूनियर आर्टिस्ट हैं, अगर वो रफ्तार से कर रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए महीना तो वो आराम से घर ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो ये अच्छी बात है कमर्शियल ड्रामे में। सही बात है। हाँ। मैं कहती हूँ पैसे मिल रहे हैं, काम तो अच्छा कर लें हम। सही बात है। हाँ। पैसे तो मिल रहे हैं। हाँ, सही है, तो काम तो अच्छा कर लें। काम की इतनी बहुतात से क्या हुआ, असल में जब कमर्शियल काम शुरू हुआ ना अब से 20 साल पहले, जब NTM था या उसके बाद, तो खिड़की खुली यूं करके। अब जब ऐसे खिड़की खुली तो तेज हवा के साथ बहुत कुछ आया, खुशबू वाली फूलों की खुशबू भी आई और फिर खुश्क पत्ते भी आए और कचरा भी आया। ऐसा होता है। फिर हमने लोगों को उस पर ट्यून कर लिया। तो हमने लोगों को एलिवेट करने की जगह जहाँ लोग थे ना वहाँ पहुँच गए हम लोग। सैडली, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कि फाइनेंसेस एंड ये बहुत अच्छी बात हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले किया है, रोल प्ले किया है इसने सारे उसमें, बट एक प्राइस हमें पे करनी पड़ गई है। बिल्कुल। और अभी भी मैं कहती हूँ हमारे प्रोडक्शन हाउसेज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा भी लगा रहे हैं, बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, कमा भी रहे हैं, आर्टिस्ट को भी खूब पैसे दे रहे हैं, सब कुछ। थोड़ा कंटेंट और अच्छा कर लेना, उस पे स्टबन ना हो। सही बात है। वो होते हैं, एक जगह की बात नहीं कर रही, बहुत जगह पे, क्योंकि हाँ, ये तो हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं। हाँ। कोई एक चैनल, एक प्रोडक्शन हाउस को आप नहीं कह सकते, वो फिर ये तो बहुत जगहों पर। और हम जैसे लोग जिन्होंने ये काम किया, अगर हम ज़्यादा उनके सर पे सवार होंगे, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, तो वो घबरा जाएंगे कि भाई ये तो हमें तंग कर रहे हैं। तो 6 में से 1-2 स्क्रिप्ट फिर होते हैं जिनको कि आप कहते हैं चलो कर लेते हैं कुछ। और ये एक बड़ा कॉमन जुमला है, अक्सर औकात में सुनती हूँ, बस आपस स्क्रिप्ट तो ये है लेकिन मिलकर बना लेंगे। Okay. ये हमने कभी नहीं सुना था अपनी ज़िंदगी में। और मैं आई थिंक अपने दोस्तों में से बहुत लेट इस पर आई हूँ प्राइवेट प्रोडक्शन पे, बल्कि बहरोज मुझे अभी तक तंग करता है, क्योंकि मैं करती थी शोज़ वगैरह। मैं, मुइन अख्तर, अनवर साहब, आलमगीर, शेखी, मेरा ज़रा म्यूज़िक रिलेटेड काम था, और वो मैं करती थी, कॉर्पोरेट शोज़ करते थे हम लोग उस ज़माने में कराची में। बहुत शोज़ बहुत शोज़ होते थे, आर्मी के शोज़ होते, वैरायटी शो होते थे पूरा। हाँ हाँ, चीज़ होती थी। एक दिन, एक रात में कराची शहर में 17-17 इवेंट होते थे। उमर शरीफ, मुइन अख्तर, मैं, आलमगीर, शेखी, अनवर साहब, बाद में फरहदी का, शहजाद रॉय, सज्जाद अली, अली हैदर, ये हम तो यूँ दौड़ते थे हर वीकेंड पे। सही है नहीं। तो आई वॉज मेकिंग अ गुड मनी एंड ईजी मनी। तो मैं कहती थी हाय हाय, मैं नहीं करती सिंगल कैमरे में, गर्मी में तो बता तुम लोग तो बेरोज छेड़ता है, अब तो कर लेते हैं। अब क्यों, मैंने कहा अभी भी मैं इतने नहीं करती हूँ, 1-2 ही प्रोजेक्ट करती हूँ, कभी कभी 1 करती हूँ, कभी 2, इस दफ़ा मैंने 2 कर लिया। लेकिन अच्छा है, शुक्र अल्लाह का, हम सब ने इन्हीं कामों से भाग दौड़ में, धूपों में, आउटडोरों में ख्वार हो के अपने बच्चे भी पढ़ाए। सही बात है। हमने अपने घर बनाए, हमने अपने बच्चों की शादियां भी की हैं, और हम खड़े रहे हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन हम लोग ज़रा फोकस्ड इसलिए थे कि हमें पता था कि ये हवाई काम है। अब का पता नहीं, मुझे बच्चे उड़ा रहे हैं या सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मैं तो हर बच्चे के पीछे कहती हूँ तुमने घर बनाया, कितने पैसे तुम्हारे पास। मैं शहजाद के पीछे पड़ी हूँ, शहजाद सिंह, कितने पैसे, कहता घर कैसे बनाते हैं। मैंने कहा अपने पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारे बैंक में डालूंगी। ज़ारा के पीछे कितने पैसे हो गए, चलो मेरे साथ एक बैंक में डालते। तो मेरा, मुझे ये कि ये काम किसी तरह का भी, मेकअप का काम हो या ये काम हो, हवाई काम है। सो यू हैव टू, आज है कल नहीं है। हाँ, मतलब कम है, अभी में कोविड आ गया, परेशानी हुई ना लोगों को, फिर शॉकिंग था टाइम। तो वो तो आपको अपने काम को सीरियसली लेना है। मैं बैकअप रखना है, मैं बल्कों को, बच्चों को, बल्कि हमारे पास बच्चे आए हुए थे एक दिन, सजल और कुबरा और ये सारे प्यारे गौहर गौहर। मैंने कहा बेटा आपकी पार्टी इस काम की वजह से, आप लोग की जनरेशन पार्टी करती है, ज़रूर करें, सब बच्चे करते हैं, लेकिन योर पार्टी इज़ बिकॉज ऑफ दिस वर्क, दिस वर्क इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर पार्टी। ये आपने ऐसी काम की बात कही है, बट ये समझ आ जाए, दैट्स व्हाट आई फील इज़ लैकिंग। बड़ी पार्टी की अल्लाह, शहजाद खलील जिंदा थे, बदर खलील थी, सबा में, आसिफ रजा मीर, बेरोज, शहजा, अपना जावेद शेख, हम लोग सारी रात पार्टी, डांस पार्टी में जाते थे, मैं, मियाँ मेरे, सुबह तक बच्ची को सुलाया दादी के पास या, और उसके बाद चलो, कभी नहीं भी होता था कोई, तो बच्ची को बगल में लिया, 1.5 साल की थी, पार्टी में ले गई, वहाँ टपक दी और वहीं। तो अपने मियाँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमने बड़ी पार्टी की, लेकिन हमने काम किया साथ। अगर आप पार्टी करेंगे और सुबह काम पे थके हुए आएंगे तो फिर कैसे चलेगा, कोई भी काम करें, ऑफिस में। सही बात है। हाँ, सिर्फ इसके लिए, किसी भी काम के लिए। तो चीज़ों को डिसिप्लिन में होना चाहिए। बरल अभी भी मेरे तक कुछ कभी कभी कंटेंट अच्छा आ भी जाता है, आ भी जाता है कभी कभी। इट्स, आई थिंक इट्स दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। ये नहीं कह सकते कि अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा है, लेकिन बहुत कम बन रहा है, कम बन रहा है, तो बस उसी को हम चाहते हैं ज्यादा हो जाए। अभी आप देखिए पिछले 5 साल पहले का देखें, उडारी जैसा ड्रामा अब नहीं बनता, नहीं बनता।
पाँच साल ही हुए ना, कौन से 20 साल पुरानी बात है। सही बात है। मैंने बिल्कीस स्कोर किया था, बिल्कुल ठीक है, अमेरिका जाके किया था। फिर मैंने सीता बागड़ी किया था, वो भी एक अलग सा ड्रामा था, ठीक है, उसमें मैं हिंदू बनी थी। तो मुझे तो फिर भी चार चीज़ें ऐसी हाथ आ गई। मैं बल्कि यमुना से कहती हूँ कि तुम तो बेटे बड़ी ही खुशकिस्मत हो माशाल्लाह। एक काशिफ ने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स उससे करवाए, और वो है ही ऐसी चीज़। हाँ। वो बच्ची ही कुछ अलग है, अनोखी एक्ट्रेस है वो। कहती मुझे सोल फूड भी चाहिए होता है, बिल्कुल वो रन ऑफ द मिल टाइप बच्चा नहीं है वो। और वो उसको करती भी वैसे, वो इनकार मिला उसको, फिर वो मैंने सिला वाला प्ले भी देखा उसका, और फिर जो भी उसको तीन चार प्लेस मिले तो उसको मैंने कहा बेटे तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी चार चीज़ें मिली। मैं खुद बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मुझे कैरेक्टर्स मिले, साइमा चौधरी मिला मुझे, मतलब बिजली मिला, कोई नाम वाले कैरेक्टर्स मिले जो लोगों को याद है। अब कहाँ क्रिएट करता है कोई, ये जो क्रिएटर्स हैं आप उनका, मैं तो मुझे तो बड़ी बैशिंग आती है, अब मेरा तो नाम ही ना ले तेरे बिन पे, तो मुझे ऐसी मेरे ट्विटर खोलते हुए डर लगता है मुझे कि क्या क्या सुनने को मिलेगा। ये नारियल पानी है, मंगा के दिया मुझे मैंने कहा कुछ वो चीज़ मंगाएं जो आपको अच्छी लगती हो ना। मुझे अच्छा लगता, मुझे चाय पसंद नहीं ना। हाँ मुझे मालूम है। अच्छा आप बिजली की बात कर रही थी अभी, कल जब मैं बनाई थी क्वेश्चन, फिर मैंने जाके ना सारी वो थोड़े से देखना शुरू किए और मुझे इतना मजा आया। बिजली भी एक मॉडल भी थी, फिर एक टीचर भी थी, और वो जो आप सुना रही थी ना, मुझे हंस के, ये सवाल, ये सही दुरुस्त सवाल नहीं है, ये किस किस्म का सवाल पूछ। मतलब वो इतना अच्छा लिखा हुआ था और आप इतना अच्छा परफॉर्म करी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। जो चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, हर कैरेक्टर आपका एक डिफरेंट टोन, एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, एक डिफरेंट हेयर स्टाइल, एक डिफरेंट द वे यू वर डिलीवरिंग डायलॉग्स, तो ये लिखा हुआ होता था, अनवर साहब ने किया होता था, या आप खुद करती थी, ये कैसे होता था? आई एम क्यूरियस टू नो। देखिए अनवर साहब का और मेरा और मोइन का जो ट्राइका बना था, अल्लाह ने बड़ा यूनिक बनाया था मुझे, किसी ने फिर वही कट कह रही हूँ कर रही हूँ, लेकिन जब आपके शो आपका जब पार्ट होता था तो उसमें भी मोइन अख्तर साहब आके बताते थे ऐसे कर लो। नहीं, वो तो अलग, उनका अलग स्टॉक होता था, मेरा अलग होता था, मगर हम तीनों इकट्ठे भी काम करते थे। जी जी। अभी कोई आजकल बल्कि किसी ने क्लिप डाला हुआ, मैं और मोइन बैठे हुए हैं, वही लूज स्टॉक का कुछ डाला है, तो मुझे याद आ गया कि बड़ा मजे का था वो मियाँ बीवी। तो अनवर साहब का लिखा हुआ बेसिकली जो था ह्यूमर सेटायर ओरिएंटेड था, मुझे वो सूट करता था क्योंकि मैं एक नफासत और एक फिनेस के साथ कॉमेडी करना चाहती थी। और इससे पहले मैं कलियां में जब हैगा सरगम था तो फारूक कैसर साहब के साथ थी, तो मैं गाती भी थी उसमें, तो बेसिकली गाती थी पहले, फिर पपेट्स की आवाज़ों में गाने लगी। शरारतें करनी होती थी ना, हमें क्या पता हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारी कौन सी अकेडमी थी, हमें कौन सी कोई तमीज़ थी। उठे मूठ आया, हंसने वाली बातें शुरू कर दी, उठे गाना शुरू कर दिया, उठ के गए। तो मुझे तो उन्होंने बल्कि पपेट मैनिपुलेशन भी सिखाई फारूक साहब ने, तो चलते चलते खुद ही सीखने लगे। खैर, तो अनवर साहब का जो लिखा हुआ था वो बहुत ही कोई कमाल की एक उनकी लाइंस, उनकी बड़ी कमाल होती थी। तो जब बिजली हुआ ना, उस वक्त मुझे बुलाया गया, तो मोहसिन अली साहब थे हमारे प्यारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि बिजली करना है, तो मैंने दिल में सोचा बिजली को तो बहुत तेज़ आवाज़ होनी चाहिए, बहुत तेज़। तो एक हमारी बड़ी पुरानी एक्ट्रेस थी जो कि नासरा उनका नाम था, उनके बेटे उस्मान मुख्तार हैं। हाँ, अच्छा। और वो पुरानी फिल्मों में काम करती थी, बड़ी प्यारी सी थी। तो कुछ मैंने उनकी बचपन में फिल्में देखी हुई थी, तो वो बड़े तेज तेज बोलती थी ऐसे करके ना। मैंने कहा हाँ, नासरा की तरह बोलना चाहिए बिजली को। वो किसी को वो भूल भी गई थी, उन्होंने काम ही छोड़ दिया था तब तक। वो जब मैंने वो किया ना और मेरी छाप सी आवाज़ थी तो वो मजे का हो गया। तो हम मिलके बना लेते थे, लेकिन एक्चुअली फिर उस कैरेक्टर को सोचना होता था। हाँ, तो आप सोचती थी ना, क्योंकि बिजली में भी वो पूरा यहाँ वो लाइंस लगी हुई है। उसमें पीटीवी के जो थे ना हमारे मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा, उनका भी सीनियर थे, कमालुद्दीन साहब हमारे, मैं तो उनको अंकल कहती हूँ अभी तक, लेकिन वो अभी अल्लाह सलामत रखे। मैं बचपन में परी बनने भी जाती थी, तो वो परी बनाते थे। ओके। और तो वो सब मिलके डायरेक्टर बुला लेते थे, चलो भी इसका क्या करना है, फिर वो बल्ब लगाए, वो फिर सोचा इसको जलाए, फिर वो एंड टाइम पे जले नहीं, फिर ये था कि कहीं जल जाए तो कर, तो उन्होंने कहा चलो बगैर जलाए ही लगा देते हैं सर में, फिर कानों में वो टेनिस बॉल्स। तो वो सब करके तो मिल मिला के सब, और सबसे बड़ा जो टीम लीडर होता था, जो कि होना ही वो चाहिए, वो डायरेक्टर था। तो उसकी आप लोग सब डायरेक्शन, हम आपस में बात कर रहे थे, मगर फाइनल तो फिर मोहसिन अली साहब ने करना था कि हाँ ये ठीक है, ये सही लगेगा। फिर अनवर साहब भी होते थे, तो हम बैठ के इस पर बात करते होते थे। फिर इसी तरह लूज स्टॉक में, ज़्यादातर लूज स्टॉक में तो खैर फिर मैंने यही सोचा एक, बल्कि पता नहीं अब मेरे पास तो नहीं है वो, उसमें मैं पारसी टीचर बनी थी लूज स्टॉक में। मैंने अपनी सोची लुक कैसे होगी उसमें, मैंने एक, मेरे पास तस्वीर है, मैं अगर आप भेजूंगी किसी, प्लीज़ भेजिएगा। उसमें मैंने ऐसे वेव वाले बाल बनाए, और फिर मैंने अपने होठों को बहुत पतला बनाया, इतना कि वो बस सिर्फ लाइन नज़र आ रही थी। मेरे होंठ वैसे पतले हैं, लोग समझते हैं मैंने पता नहीं क्या कि मैं तो आउटलाइन से बनाती हूँ
लेकिन मैंने उसको और पतला कर लिया और तकरीबन अंदर को चले गए, बिल्कुल लाइन थी एक, और मैंने अपनी नाक भी बहुत शार्प बना लिया और एक मैंने ऐसा, तो उसके अंदर लुक में कोई पहचानता नहीं कि वो मैं हूँ। एक फिर लूजस्टॉक में एक शायरा थी मेमन, मैंने इतनी मोटी आईब्रोज बनाई बीच में से मिला के, तो ये मैं खुद करती थी, खुद करती थी, तो मज़ा आता था। और देखिए ये इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं तो मुझे लगता है अब कैरेक्टर्स में और वैसे भी नहीं हमें इतनी नज़र आती, लेकिन वो इतना फ़र्क पड़ रहा था उस पूरे माहौल में, उस पूरे शो को देखने में इन चीज़ों से। जैसे मुझे, मैंने कल जो देखा तो उसमें एक फिल्म एक्ट्रेस बनी हुई है, आपने वो विग लगाई, छोटे फ्रिंज है, एंड वो फ़ोन बीच में से आता है, फ़ोन उठा के और एकदम से एक्सेंट चेंज में पंजाबी में बात करना शुरू जाती है, यू नो, एंड वो वैसे मैं तो बात नहीं करती, मैं किसी को फिर एक स्कूल की प्रिंसिपल है, फिर एक सोशल वर्कर है, यू नो, एंड एवरी कैरेक्टर आप हर उसमें ना डिफरेंट लग रही थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए लूजस्टॉक, यू विल हैव सो मच फन, एंड ये भी नहीं सोचे कि हम कैसे रिलेट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। अच्छा ये कैसे डिस्कवर किया आपने अपनी ये साइड, लाइक पहले किसने आपको ऑफर किया कि ये फ़नी रोल तुम करो या ये कॉमिक रोल तुम करो? एक्चुअली हमारी फैमिली में सब भी ऐसे करते रहते हैं, हम लोग सारे के सारे, लेकिन एज अ कैरेक्टर, बिकॉज आप आई तो आप सिंगर हैं, मैं बचपन में आई ना फ्रॉक पहन के, पपेट शो किया, उसमें हाँ उसमें भी बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई। मैंने मासी मुसीबते की आवाज़ में भी गाने गाए, फिर मैं एक बुड्ढा बनती थी, बुड्ढे की आवाज़ निकालती थी, बुड्ढे की आवाज़ में गाती भी थी। आपने मासी मुसीबते कहा तो मुझे अब याद आया कि वाकई है ना, कह रही मासी मुसीबते हाँ, भी थी उनका हाँ। इतने मज़े का वो था, वो उसमें भी हमारा एक वो था बाबर नियाज़ी, उसके अंदर होता था, नहीं 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 उसके अंदर वो था जो जो हैगा बनता था, उसकी आवाज़ थी वो। कल आप लोग नाम ले, कल मैं शो सुन रही थी उसमें नाम ले रहे थे, मुझे भी याद नहीं, सरगम अंकल सर, अच्छा ही बोला, फारूक कैसर साहब, फारूक कैसर, हाँ तो वहाँ पे हम शरारतें करते रहते थे। मैं तो उस वक्त थर्ड ईयर में पढ़ती थी, वो होते होते अच्छा फिर मैं कराची आई तो 50-50 हो रहा था, 50-50 का मतलब था आधा म्यूजिक और आधी कॉमेडी, ठीक है। मैं आई तो मैंने उसमें गाने वाने गाए, शोएब मंसूर उस वक्त करते थे, और मैंने बड़े मुश्किल कोई राग मन में कुछ गाया, कोई मुश्किल मुश्किल गाने, लेकिन चूंकि हम आपस में बैठते थे तो हम मस्ती मजाक तो करते थे ना, तो शोएब ने कहीं लिखा ताहिरा सैयद की कोई एक, मैंने कहा है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, अरे करते करते मैंने एक वो कर लिया, वो तो हाय मेरी अंगूठियाँ बाद में आया था। अच्छा ये उससे भी पहले एक 50-50 में भी मैंने किया था, रिश्ते मिलते नहीं और इस तरह करके ना, और तायरा की तरह मैंने कहा वो तो इतनी खूबसूरत सी, इतनी प्यारी, मेरी जान की टुकड़ी है वो, उनसे मेरा बड़ा प्यार है। सो वो हमने किया, फिर उसके बाद वो हमने इन्होंने फिल्में बनाई, झाड़ू मेरे वीर दी, तो बशीरा इन ट्रबल, तो हम आपस में चूँकि हंसते खेलते रहते थे हर वक्त, तो ये हमारी समझे आपस में बैठने से जो एक डिवेलप हुई ना रिलेशनशिप। और शुएब जो वैसे बहुत सीरियस लुकिंग इंसान है, आप में से थोड़े से लोगों ने उनको देखा होगा, क्योंकि वो एक पोशीदा राज की तरह छुपे रहते हैं, इज़ अ वेरी शाई गाय, यहाँ हम कहते थे यहाँ से लेके वहाँ तक उनका मुंह है ना इतना लंबा, तो वो मगर वो इतना फ़नी इंसान है अदरवाइज दोस्तों के साथ। तो उसमें फिर ये मैंने दो तीन फिल्में की, 50-50 में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, तो आई डोंट टेक दैट क्रेडिट के 50-50 वॉज अबाउट माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा, इस्माइल तारा और ज़ेबा शहनाज, तीन लोग थे जो, और अशरफ खान, मैं उसमें सिर्फ तीन फिल्मों में थी। वो ठीक है वो फिल्में वो बशीरा एंड ट्रबल बहुत चलती थी, और एक और भी मसम्मात मुटियारे के जैसे उर्दू स्पीकिंग लोग पंजाबी बोलते हैं, फिर हम हंस हंस के गिर रहे होते थे, फिर हम खुद ही गाने बना रहे होते थे, तो वो बड़ा मज़े का वक्त होता था। सो पहला सबसे पहले जो आपने मिमिक्री की वो ताहिरा सैयद की? हाँ वो की, लेकिन मैंने मैंने कलियाँ में भी बहुत मस्ती की, फ़नी चीज़ें की, मेरी पपेट थी बहुत प्यारी उसमें, उसका नाम था शर्मिली, ओके, वो थी लैम्ब एक, और मैं उसकी आवाज़ में गाने गाती थी, और वो फारूक साहब अपने हाथ में पहनते थे, और वो यूँ कहती थी मुझे पलीशे मारी अंकल ना कर लेना मुझे बुजुर्ग दिया होती है, और उसी की आवाज़ में मैं गाती थी, तो वहीं फ़न शुरू हो जाता था। तो कुछ ना कुछ चलते चलते हर चीज़। तो अभी आपका किसी का दिल चाहता है कि किसी की मिमिक्री करके गाएं आप, या नहीं अब नहीं होता मूड? नहीं एक्चुअली अब वो वक्त नहीं है, और वो जब मैंने किया सलमा आगा वाला भी तो मैं तो आई वॉज नॉट रेडी टू इट, मैंने कहा हिल्ला वो तो ग्रीन आँखें, वो प्यारी सी खूबसूरत सी गोल्डन सी औरत है, मैं मेरे कौन से शक्ल मिलती है, तो चलो मैंने कहा मैं गाना उनकी आवाज़ में गा दूँगी, हम किसी और से जो ज़रा हो ना वही जो जैसे एक कलर्ड आँखों वाली लड़कियाँ नहीं होती गोरी गोरी सी, उनको लेकर आए, तो वो किसी को लाए तो उससे हो ना रहे, और गा तो मैंने दिया एक छक्के के जावेद को, अब मैं उसको करके दिखा रही हूँ, उन्होंने कहा इसको तो हटाओ तुम करोगी, मैं कहा नहीं 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 मैं ऐसे कच्चा काम नहीं करती, मैं मेरी शक्ल देखे मैं उनके सामने लग, वो कुछ और प्यारी सी थी ना वो बहुत, लो जी बड़ा उन्होंने मुझे मनाया, कन्विंस किया कैसर फारूक जो प्रोड्यूसर थे उनका नाम था कैसर फारूक, ओके, और अंकल सरगम थे फारूक कैसर, फारूक कैसर मैं ये पूछने वाली थी, हाँ तो वो आंगन टेढ़ा भी उन्होंने किया था कैसर फारूक के, फारूक साहब तो इस्लामाबाद में थे, ये कैसर फारूक
कराची में थे, इन्होंने अनवर साहब ने मेरा पीछा ना ले लिया। मैंने कहा मैं नहीं करी, ये क्या मुझे, मैं लग नहीं रही हूँ, ऐसे मजाक बनेगा, मुझे नहीं करना। उन्होंने कहा अच्छा तुम करके देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं चलाएंगे। मैंने सलमा आगा वाला 2 दफ़ा किया, मैंने नहीं चलवाया। मैंने कहा ये मुझे कन्विंसिंग सॉरी हाँ, और मैं फिर भी कहती हूँ कि पीटी वाले बड़ा मेरा लाड करते थे, मैं कैंसिल कर देती थी, कहते थे ठीक है और कर लेंगे। तो उन्होंने नहीं चलाया, नहीं चलाया। फिर जो तीसरी दफ़ा चलाया तो मैंने कहा अच्छा पहले दिखाएं सारे लोगों को, फिर जीएम ऑफिस में दिखाएं, फिर इंजीनियर्स को दिखाएं, फिर भी मैं ठीक है नहीं, कच्चा काम है पता नहीं। जब उन्होंने कहा ओ बल्ले बल्ले हो गई तो चला, तो फिर तो बहुत ही शोर मच गया। फिर वो मेरे पीछे, अच्छा मुसरत जी, मैंने कहा नहीं अब नहीं होगा ये, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। अच्छा और मतलब क्या आप लोगों ने क्या मुझे मजाक समझ लिया? उन्होंने कहा, मैंने कहा वो हसीन औरत है वो। मैं कहा अच्छा मतलब आपको सिर्फ हसीन उसमें था, बाकी आपने कहा मैं नहीं कर सकती भाई। और फिर उनकी आवाज़ ज़रा बेस में थी और मैं उस वक्त बच्ची सी थी 35 साल पहले। मैंने कहा भाई कहाँ गई आवाज़ में, हर वक्त थोड़ी आप मैं चिड़ रही थी। खैर वो मेरी चची भी लगती हैं एक रिश्ते से, उनके हस्बैंड मेरे अब्बा के कज़न है, खालाजद भाई हैं। तो भारत फिर वो किया, उन्होंने कहा करके देखो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, ये अच्छा उन्होंने ढूंढ लिया था आपके लिए कि इसको इसको दो ही करा लेंगे फिर देख लेंगे, मना लेते थे फिर बाहर वो हो गया। फिर अब उसके लिए भी आप देखें ना छोटी छोटी चीज़ें कि सलमा आगा की तो लुक आपने देखी, अच्छा जो मुसरत नज़ीर थी ना उनके लिप्स थोड़े मोटे थे, सही कह रही हैं, मेरे पतले होंठ थे, वो लगाती थी एक सर्टन टाइप का आई लाइनर और उनके दांत बहुत खूबसूरत थे, अभी भी हैं अल्लाह सलामत रखे, पर वो मिलती नहीं अब किसी से वो। तो खैर वो मुझे पता था कि उनके उनका मुंह कैसे खुलता है, उनके ऊपर वाले दांत नज़र आते हैं और कितने नज़र आते हैं, मेरे वो चौड़े दांत नहीं थे उनके थे, मैंने उतने ही दांत दिखाए जितने उनके थे, मैंने लिप्स भी उनकी तरह बनाए, मैंने आईलाइनर, ये सब मैंने कमाल अंकल के साथ मिलके डिस्कस करके, तो मुझे पता था कि वो कैसे मुंह खुलती हैं, मेरे लॉन्ग गवाचा ऐसे खुलती हैं। अच्छा फिर ये आ गए मेरे पीछे कि मैडम नूरजहां, मैंने कहा दिमाग सही है, मैंने अच्छा उन्होंने ना स्लो प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा तौबा करो तो डांट देंगी, पता नहीं क्या ही कह देंगी, गुस्सा आऊँगा आ जाएगा। तो मैं कहा नहीं, फिर अनवर साहब ने फ़ोन किया, मैंने कहा बात सुने, मैं तो बहुत दुबली थी ना इससे भी आदि थी, तो मैंने कहा वो थोड़ी चबी थी और वो क्या माशाल्लाह एक ग्लोब थी एक जलता हुआ। मैं कहा नहीं, उन्होंने कहा अच्छा हम आपको फोम का ड्रेस पहन, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, मैं फोम का ड्रेस पहनूँ अनईजी सी हो जाऊँगी, पता नहीं क्या बना देंगे। मुख्तसर ये कि फिर वो भी उन्होंने ट्राई किया और मैंने मैडम नूरजहां के भी दो किए। पहले मैंने कहा अच्छा मैं पुराने ज़माने वाला करूँगी जिसमें उन्होंने 2 चोटियाँ बनाई हुई थी, एक फिल्म थी नारकली उसमें उनकी फ्रिंजिस थी, पुराना कोई गाना एक था और वो 2 चोटियाँ करके और जेल में बैठी हुई, और उनके उस वक्त लिप्स भी ऐसे थे जैसे उल्टे टंगे हुए थे ना क्यूट से प्यारा सा उनका। तो वह मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं लग रही, मैं ऐसे बोंगी नहीं मार सकती। फिर दोबारा किया, तो ये आप सोचे कि एक तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था कि मुझे अपने काम से मैं खुद ही डरती हूँ, मेरी अभी भी आदत है, मतलब ये मेरी छोटी सी शायद फियर है या वॉट एवर, कि मैं साइमा चौधरी के तौर पर कहीं और नहीं जाना चाहती, मैं साइमा चौधरी बारात में ही करूँगी इंशाल्लाह। मेरी तरह की साइमा चौधरियाँ रोज़ बनती हैं आजकल, आप देख रहे हैं हर रोल मेरे पास आता है हमेशा, वो फिर मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं किसी के भी ड्रामे में साइमा चौधरी बन के कूदना नहीं चाहती, उसका एक अपना चाम है। सही बात, वो चाहे अब साल हो गए भूल भी जाएंगे लोग, वैसे तो नहीं भूल रहा कोई, लेकिन चलो उसकी तरह के और बहुत से लोग कर रहे हैं वो ठीक है। तो वो मुझे हमेशा से ये था कि मुझे अब मैं ये बनी हूँ इसके करीब नहीं, मुझे बिजली नहीं लगना अब, अच्छा मुझे अब मुझे बिल्कुल स्कोर नहीं लगना, अब मुझे सीता बागड़ी नहीं लगना, अब मुझे ये वाले कैरेक्टर से इससे उससे अलग कैसे होना है, इसमें मेरे होंठ पतले थे इसमें मेरे मोटे होने चाहिए, इसमें मेरी आँख छोटी थी इसमें मेरी बड़ी होनी चाहिए, इसमें मेरे लुक, तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट रही, तो कहीं कामयाब भी हुए कहीं नहीं, माशाल्लाह से हर जगह कामयाब हुए, इसीलिए तो इतने खूबसूरत आपने हमें कैरेक्टर्स दिए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। बस कुछ मिल गए थे थोड़े बहुत, अब तो कोई मुश्किल ही, अब तो सिर्फ अम्मी जान है जो लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं, माँ बेगम जो पहले कभी मीरब को कभी बस हया को नहीं वो कुछ कहती, बाकी तो मीरब और मरियम पे तो बड़ा उनका हुआ है, हया को बस गांव गांव लगाया थप्पड़, नहीं मुझे याद है गांव, मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं हया को नहीं मारा, अल्लाह बाल नोचने चाहिए थे उसके। अच्छा इस पे हम आते हैं, अभी आते हैं इस पे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बहुत शादी के अरसे बाद डाइवोर्स का डिसीजन लिया, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू यू एंड मैं ये सोच रही थी कि क्या करेज चाहिए होती है कि इतने साल बाद ही आप डिसीजन लें, उम्र भी थोड़ी सी हो चुकी होती है, लोग क्या कहेंगे ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सोसाइटी उस वक्त के, और ये एक जो लाइन है इतने साल गुजार लिए तो बात भी कर लेती, यू नो ये लाइन बहुत सी औरतों को ये डिसीजन लेने से शायद रोकती है जो चाहती हूँ, नॉट दैट आई एम नॉट सेइंग कि सही है या गलत है, हर किसी की अपनी सिचुएशन है और जिसको जो सही लगे वो है, तो
क्या स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है ये करने के लिए? देखिए, इसका कोई प्लान नहीं होता, कोई रेमेडी भी नहीं होती, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता. और मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, अब पीपल आर नॉट ऑलवेज बैड, दे डिफरेंट. जो दो डिफरेंट लोग एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अरे ये तो बड़े मज़े की है, आई लाइक, इतना सोबर सा है, कितना ग्रेसफुल है, बाद में वो बोरिंग लगता है और वो छिछोरी लगती है. ये चेंजेस आते हैं लाइफ में. खैर, 36 इयर्स की शादी, लेकिन ये नहीं हुआ कि ये एक दफ़ा ही कुछ, 36 इयर्स माशाल्लाह, एक दफ़ा में कोई अचानक से धमाका हुआ. चीज़ें बीच बीच में तंग करती हैं, किसी को भी कर सकती हैं, दोनों को करती होंगी. मसले मसाइल होते हैं, फिर आप चल पड़ते हैं, फिर बच्चे छोटे होते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा, फिर नाम बनता है, फिर इमेज होता है. हालांकि हमारी फैमिली में कोई ऐसा इशू नहीं था. आगे भी कहीं मैंने ऐसे कोट किया, किसी ने लिखा मेरे अब्बा की वजह से मैंने तलाक दी. ये इतनी घटिया लफ्ज़, मुझे इतने बुरे लगते हैं ना लोगों की बात को मरोड़ के जब बयान किया जाता है. एक छोटी सी कहानी ये है कि मेरे फादर जो हैं बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और बड़े नॉलेजेबल आदमी थे, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम. वो बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने फिल्म पढ़ी थी हॉलीवुड से, आके फिल्म बनाई थी. तो वो एक विजन था उनका. तो जब मेरी सबसे बड़ी बहन नीलम की शादी होने लगी, जो राइटर हैं अभी मेरी बहन नीलम अहमद बशीर, तो उन्होंने लड़के वाले आए, रिश्ता लेने आते, उनकी अरेंज मैरिज थी. तो उन्होंने कहा जी हक महर वगैरह जैसे लोग करते थे उस ज़माने में. तो मेरे फादर का हक महर आपका जो दिल चाहे, चाहे 3200 रुपये लिखें, चाहे 50 रुपये लिखें, आपकी मर्ज़ी है, मगर माय डॉटर शुड हैव राइट ऑफ डिवोर्स. उस टाइम पे उन्होंने कहा, ठीक है, अब तकरीबन 49 इयर्स हो गए हैं. मेरा अभी लड़कियां स्ट्रगल करती हैं तो ये तो उस वक्त बड़ी बात थी. हमें, मैं तो खैर 8 में पढ़ती थी, मुझे तो इन बातों का पता भी नहीं था. तो वो लड़के वाले भी शायद नाइव थे, उन्हें पता ही नहीं था, सिंपल से लोग थे. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. लेकिन ये वो शिक है, ये शिक निकाहनामे में होती है. और ये नहीं होती कि कोई किसी लड़की किसी को तलाक दे दे, खुदा ना खासा. मैं कोई रिलीजियस वो तो स्कॉलर तो नहीं हूँ ना. वो उसमें होता है कि लड़के वालों की कंसेंट से ये हक के तलाक तफवीज किया गया. ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, सही है, और लिखा है उसमें ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय. अगर वो नहीं ग्रांट करेगा तो उसकी मर्जी है. उनको शायद समझ ही नहीं आई या पता ही नहीं था, जो भी था, या शायद उन्होंने इस पर कोई रेजिस्ट नहीं किया. तो वो वहाँ लिखा गया हक के तलाक तफवीज किया गया. ये बात उस वक्त पहले तो अच्छा, जब मौलवी साहब आए तो वो तो खड़े हो गए, ये क्या बात हुई. तो मेरे वालिद ने कहा बैठिए, ये सूर्य निसा में चीज़ें हैं, मेरे फादर हर चीज़ पढ़े लिखे थे. तो खैर ये उस वक्त हो गया. उसकी भी कोई बैकग्राउंड है, मेरी एक फूफी थी, उनके ससुराल वाले उनको 4 बच्चों समेत निकाल के बाहर खड़ा कर देते थे बारिश में धूप में. फिर वो डिवोर्स भी नहीं करते थे, फिर मेरे दादी दादा माफ़ी मांग के उनको छोड़ने जाते थे. मेरे बचपन की कहानी है. मेरे वालिद को ये था कि ये जिल्लत मैं अपनी बेटियों को नहीं होने दूंगा. अगर मेरी बेटी कहीं खुश नहीं है और वो चाहती है, तो शी शुड नॉट बी द वन हु इज़ बीन डिवोर्स्ड बाय समबडी. इसमें स्टेटस का फ़र्क आ जाता है ना. सही बात है. कि ये नहीं कि इसको तलाक दे दी. अरे भाई, उसने आपकी दी हुई इजाज़त से आपको तलाक दे भिजवाई, और अगर आपने रिकनसाइल नहीं किया तो 3 महीने में वो अफेक्टिव हो जाती है. ये लड़कियां थोड़ी कहती तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी, ये थोड़ी होता है. चीज़ों को समझना चाहिए. मैं उनसे कह रही हूँ जो इन बातों को जहलाना तरीके से लगा देते हैं यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कहाँ पर. तो ये चीज़ें फिर उसके बाद सब बेटियों के लिए थी. फिर हमारी सबकी बेटियों की, हमारी बेटियों ने भी ये किया. अच्छा, उससे पहले तो सारी बात है कि ये एक इशू ऐसा जिस पे किसी की मर्जी है, वो चाहे किसी की मर्जी है ना चाहे, अपनी बेटी को नहीं कराना चाहते अपना कराएं. और मैं कहती हूँ अगर इसकी ये रखा गया है, ये खुद से तो नहीं किया गया ना, ये बेसिक है तो लोग काट देते थे निकालना. तो ये एग्जिस्ट करती है ना, ये दीन में आपकी तरफ से डाली गई है तो तभी है ना. हमें तो पता ही नहीं था कि. तो फिर बाद में देखा. तो मैं ये कहती हूँ कि एक दिन पहले अपने बच्चियों को निकाहनामा भिजवाएं और उनसे पूछें. अब तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लड़कों से बात करना चाहती हूँ. मैं कहती हूँ कि लड़कों को चाहिए कि वो कहें अपने ख़ानदान को, एक तो जहेज का कोई नाम ना ले. ये बदतमीज़ी है. एक छोटा सा कस्टम था, जैसे हमारे नबी पाक ने अपनी बेटी को एक कस्टम के तौर पे, एक तोहफ़े के तौर पे जो उनके पास था उन्होंने दिया था. लेकिन आप अपनी इतनी प्यारी कीमती चीज़, सबसे बड़ी कीमती चीज़ अपनी बेटी दे रहे हैं, पाल पोस के, पढ़ा लिखा के. एक औरत आपकी जनरेशन चलाएगी, आपके घर में आके आपका घर सजाए, आप उसके साथ सामान ले रहे हैं, यार कितनी शैलो बात है. ऊपर से आप डिमांड कर रहे हैं. अच्छा चलो जी, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दे दी थी, ठीक है, एक बात करें. लेकिन लड़कों को खड़े होना चाहिए. मैं उनके माँ बाप को भी नहीं कहती, उनको थोड़ा सा अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और वो बड़े बाइज्जत लगेंगे. सारी ज़िंदगी उनकी बीवी और उनकी ससुराल उनकी इज्जत करेगी.
अपने बलबूते पे क्यों नहीं करते आप लोग? सही बात है कि आप कहें कि जी ये चीज़ें हमारे घर में नहीं होंगी और ये हमारे पेरेंट्स ने की। मेरा एक ही भाई है, अमेरिका में होता है, और वो आया था तो उसका लाहौर में रिश्ता हुआ। वो लोग कोई ऐसे गरीब नहीं थे, मतलब मुनासिब जैसे मिडिल क्लास हमारी तरह के लोग थे। उन्होंने कहा जी जहेज, उसने कहा जी मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा बात सुनी, मेरी चारों बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, हमारा घर सामान से भरा हुआ है, ना हमें इसके कंबल चाहिए ना हमें इसके बर्तन चाहिए, तो चली जाएगी। लॉजिक है ना, तो हम क्यों इसका सामान लेके बैठे हैं? आप डिनर सेट देंगे तो हम तो यहाँ, ये तो पड़ा रहेगा इधर ही। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने जैसे कहते नहीं, हम तो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप अपनी बेटी को दें तो उसको कोई, आपने जो झुमके देने वो दे दें, जो वो इस्तेमाल करें, जो उसकी मर्ज़ी है, उसको आप 50,000 रुपये दे दें, हमें क्या पता। ये आप सामान और ये ट्रक और ये चीज़ें ये हमारे घर ना भेजें, हमारे पास जगह ही नहीं है और हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो अमेरिका जा रही है। अव्वल तो अपने घर में भी हो तो आप क्यों दें? आपका बेटा कमाता हो तो आप अपनी किसी बहू को लाए ना। तो हमारे घर में तो मेरी अम्मी ने क्या किया, सिर्फ निकाह हुआ क्योंकि मेरे भाई ने फटाफट कागज़ बनवाने थे और वो उस ज़माने में 400 रुपये भी निकाह हुआ, मुझे भी बल्कि मैं जाने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा अल्लाह है हमारा एक ही भाई था, मुझे बुलाया नहीं, तो वो कहने लगे बस खड़े खड़े निकाह था तो तुम वलीमे में आ जाना। तो मैं तो गई नहीं क्योंकि वलीमा ही नहीं हुआ, फिर वो तो चली गई। तो फिर मेरी अम्मी का रेडियो पर उस ज़माने में इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा बेगम बशीर आपने ये मिसाल कायम की है, तो ये चीज़ें लड़कों को करनी होंगी, लड़कों को भी अपने घर वालों को फैमिलीज को समझाना होगा और अपनी बहनों और अपनी बीवियों अपनी कजन्स के ये जो राइट ऑफ डाइवोर्स है मे बी, और हाँ, इस तरह की निकाह में हाँ, के में जो निकाहनामे में चीज़ें उनको पढ़ाएं। आपको क्यों लगता है क्यों इंपॉर्टेंट है लड़कियों का निकाहनामा खुद से पढ़ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़कियाँ पढ़ती हैं, आपने पढ़ा था? नहीं, हमें तो कह रही तमीज़ ही नहीं थी वैसे, लेकिन था मेरे पास राइट टू डिवोर्स था क्योंकि नहीं, लेकिन निकाहनामा पढ़ा था? नहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन बात कर ली थी उनसे। आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया था? हाँ हाँ पढ़ाया, नरीमान ने पढ़ा, सुमलापा की बेटी उन्होंने पढ़ा, तो बच्चियाँ जाहिर है आप इस ज़माने की हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर वो नहीं चाहती तो ना सही, सही, लेकिन अगर ये शिक है, अगर आपको ये राइट दिया गया है तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो आपने पूछा कि इतने सालों बाद, तो डर खौफ तो ये तो अपनी जगह था। मैं समझती हूँ कि कोई लड़कियाँ भी नहीं चाहती कि उनका घर डिस्टर्ब हो। सही बात है, दिल तो नहीं चाहता ना, इतना प्यारा सा आपने घर बनाया होता है, अपने बर्तन सजाए होते हैं, अपने बेड सजाए होते हैं घर में। मुझे तो बड़ा शौक है टावल शावल ये वो फलाना, और अपने मियाँ के लिए खाना पकाना सीखा, कुछ भी नहीं आता था। सही बात है, और वो बहुत प्रॉपर खाना खाना चाहते थे। उन्होंने बाद में मुझे मतलब सुनाई भी अच्छी तरह, क्या मतलब कुछ भी नहीं आता? मैंने कहा मैंने तो कहा था आपने सब कह दी, मैं तो समझा ऐसे कह रही हूँ, मैं दाल नहीं पकानी आती, नहीं आती थी। खैर वो सब सीखी कि मैं, गर्ल्स ऑलवेज वॉन्ट टू प्लीज देयर हस्बैंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। ठीक है, लड़कियाँ आती हैं आपके घर में अपना घर बनाने और खुश हैं होने, उनको तक हमें अप्रिसिएशन मिलेगी है, ये हमें अच्छे प्यार से देखेगा, मैं इसके लिए पकाऊंगी, फिर ये हंसेगा। वो तो अगर कह देगा इसमें नमक तेज है तो वो बेचारी लड़की तो दिल दुख जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, खैर तो मैं भी होम मेकर टाइप इंसान हूँ, टॉरस वैसे भी होम मेकर होता है, कोशिश की। तो फिर उसके बाद टेम्परामेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा थे, मिजाज बहुत मुख्तलिफ थे, और फिर उसमें वैसे क्रिएटिवली हम दोनों बहुत अच्छी टीम थे, हमने बड़ा अच्छा काम किया एक साथ। ही वॉज अ वेरी गुड डायरेक्टर, वन ऑफ द वेरी रेनाउंड एंड वेल नोन एंड गुड डायरेक्टर्स। इकबाल अंसारी के आप ड्रामे उठा के देख लें, क्या क्या ड्रामे उन्होंने किए हैं, और उनको ड्रामा करना बताना भी आता था और लिखवाना भी आता था। राइटर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होती थी। फिर एक बात और थी, वो किंग मेकर थे, उन्होंने बड़े एक्टर्स बनाए क्योंकि उनको ड्रामा बताना आता था। तो ये उनकी अलग क्वालिटीज़ थी जिसके अंदर मैंने भी बहुत कुछ सीखा और साथ साथ हमने अचीव भी बहुत कुछ किया, अवार्ड भी जीते, हमने काम भी अच्छा किया। लेकिन पर्सनल लेवल पे बहुत सी चीज़ों में मैं मुश्किल में आ जाती थी। ओवरऑल चीज़ें होते 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 मुश्किल होती थी बहुत, लेकिन फिर मैं साथ साथ कहती थी अच्छा इसके बाद जो सिचुएशन होगी क्या वो इससे बेहतर होगी, बच्चियाँ परेशान होंगी, फिर यंग एज में आप ये एज अ मदर आपने सोचा? हाँ, बच्चियाँ परेशान क्योंकि ही इज़ अ गुड फादर, अभी भी वो नरीमान के साथ रहते हैं, ही इज़ अ गुड सपोर्ट, मीरा के पास भी जाते हैं न्यूयॉर्क, नरेमान टोरंटो में, तो दोनों को बाबा के होने से बहुत अच्छी सपोर्ट है, उनके बच्चे भी बहुत अटैच्ड हैं और ख्याल रखने वाले हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर चीखा नहीं, कभी डांटा नहीं, कभी कोई ऐसा उनको यू चोज योर किड्स ओवर योर। हाँ तो अच्छा उस तरह से उनके लिए, तो फिर ये सोचा कि अच्छा भी अगर यंग एज में मैं 28 साल में परेशान हो गई, हाय अल्लाह अगर मैं छोड़ देती 28, 30, 32, 35 जो भी, क्या शायद मैं फिर एक बेवकूफ़ी और मार लेती और बच्चे परेशान होते। ऐसा होता है क्योंकि होना पड़ता है, सेकंड जगह कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, थर्ड जगह कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं होते ही हैं। जब बच्चों की शादियाँ हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो अपने घर चले गए, मैंने कहा चलो भाई अब सांस लेते हैं।
आपने एज अ मदर अपना सारा वो किया, किसी की जॉब नहीं छोड़ी, अल्लाह का शुक्र है। उनको स्कूल भी छोड़ा, उनकी शादियाँ की, उनकी डिलीवरियाँ कराई, उनके बच्चों से भी खेला, उनकी जॉब भी, उनकी ड्यूटियाँ भी दी, बच्चे भी स्कूल से लाई। तो कोई बच्चा मुझे ये नहीं कह सकता कि आपकी वजह से हमने ये सब किया, वो मैंने नहीं किसी को करने दिया। लेकिन एक और चीज़ जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, मैंने कभी आपके आपसे जितना मैंने सुना है कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी आपके एक्स हस्बैंड के बारे में। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है ये इतनी इतना, क्योंकि देखिए जब डाइवोर्स होती है, जब दो लोग दोस्त भी बहन भाई भी कभी जायदाद पे कभी बहन भाइयों के दरमियान, तो बड़ी बिटरनेस आ जाती है और बड़ा जब बात करते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट बोल देते हैं, और डाइवोर्स में तो बहुत देखा है कि, लेकिन आपने कभी नहीं, उनकी तरफ से भी मुझे नहीं मालूम, तो ये कैसे आपके अंदर आया, ये किस तरह आता है, आप क्या एडवाइस करेंगे उन औरतों को जो इस चीज़ से गुजर रही हैं कि क्यों नहीं नेगेटिव एटीट्यूड या कुछ अवॉइड करें बेटर बातें या कोई गलत बात कहने से? देखिए बात ये है कि ये रिश्ते ऐसे हैं जो टूट के भी नहीं टूटते। मेरी हर तीसरे दिन उनसे बात होती है, बच्चियों के हवाले से जी, कोई ना कोई बात होती है, कोई काम की बात होती है। तो ये रिश्ता टूट के भी नहीं टूट सकता जब आपके बच्चे होते हैं। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें पब्लिक में करने की नहीं होती हैं। पता नहीं मैंने कितना तंग किया होगा, पता नहीं उन्होंने कितना तंग किया होगा। ये आपकी बिल्डिंग के बाहर जो गेट पे चौकीदार बैठा है, ही डजंट नीड टू नो दिस, या मेरे गेट पे कोई गार्ड बैठा है, उसको क्यों मैं बताऊं कि मेरी क्या मसले हैं? आई डोंट लाइक इट। कुछ चीज़ें आपको अपने पास रखनी होती हैं। हाँ, हमारे क्लोज रिश्तेदारों को बहुत कुछ पता होता है क्या मसले थे, बच्चों को भी पता होता है। और फिर बच्चों के लिए तो देखें ना, माँ बाप दोनों की एक लेगेसी है, इज्जत है ना, तो वो तो फिर वो कुछ बोले, अवल तो उन्होंने भी कभी कुछ नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला। और ये भी मैंने कितने साल, 10 साल तकरीबन हम सेपरेटेड रहे, एक घर में भी रहकर और फिर मैं कुछ अरसे अलग भी रही, कभी भी नहीं किसी को पता चला कि ऐसा कुछ ऐसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये बताने की ज़रूरत है, और ना मेरा कोई आगे प्लान था, ना उनका कोई प्लान था कि कोई किसी के साथ उन्होंने शादी कर ली थी तो इस वजह से हुआ, या मैंने उस वक्त कोई प्लान था कि मैंने शादी करनी है तो मैं नहीं, बस एक दूसरे को स्पेस देनी थी। मैंने पहले सोचा, एक दो दफ़ा मैंने पहले सोचा, फिर उन्होंने रोक लिया, कुछ मैं रुक गई, होते होते ये वक्त गुजारना पड़ा। लेकिन फिर इस दफ़ा जब लास्ट टाइम हुआ तो फिर वो भी ठीक हो गए, उन्होंने भी कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। खुशी की बात तो नहीं होती, नहीं, तकलीफ़ें बहुत आई, बहुत रोने की, मैं लोगों को क्यों बताऊँ कि हाय उफ मेरी ज़िंदगी बड़ी किसी को क्यों बताऊँ? सही बात, किसी को कोई फ़ायदा, लोग उसके ऊपर और मज़ा लगाते हैं फिर, और मुझे नहीं चाहिए कि लोग उनको बुरा भला कहें, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना, या वो भी नहीं ऐसे करते कि मेरे बारे में लोग, वो तो अपनी किसी की मर्ज़ी, किसी ने क्या से क्या ही कह दिया होगा। लेकिन हमने कुछ कभी कहा ना, मैंने ना उन्होंने, और हमारे बच्चे इसीलिए ठीक हैं माशाल्लाह से। नहीं इस, और ये बात करने का मकसद भी है कि बहुत दफ़ा अजान जब आए थे ना हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि लोग बड़े गलत मशवरे देते हैं आपको, तो ये बातें करने का मकसद भी यही होता है कि लोग सुने, लोग सीखें, लोग आप एक एग्जांपल लें कि इस तरह आपने अपने आप को कंडक्ट किया। मुझे ये चीज़ बड़ी इंप्रेसिव लगी थी, एंड आई थॉट लड़कियां बहुत सीख सकती हैं। टेम्प्रेरी टाइम होता है, गुजर जाता है, फिर कुछ अपनी कहीं भी बात आपको बाद में आपको अफसोस होता है। सेकेंड चांस एट लव, कहना आसान होता है लेकिन क्या हम अलाउ करते हैं, स्पेशली जब उम्र का एक हिस्सा गुजर चुका हो? अलाउ तो कोई किसी को जूस ना पीने दे अगर किसी की मर्ज़ी से पीना हो तो, लेकिन चीज़ें देखिए, डेस्टिनी जो है ना वो कुछ अपना काम कर रही होती है, वो जिसे कहते हैं ना कि गॉड्स विल, हमेशा हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है, और कोई पता नहीं होता किसी के आने और जाने का क्या मकसद है। सही बात है। किसी का रहने का क्या मकसद है? मैं अब अपनी उस प्रीवियस लाइफ में सोचती हूँ तो एक मैं बहुत, फिर वही मैं कोई फेक बात नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड रही, क्योंकि मैंने काम किया तो गोद में बच्ची थी मेरी, मतलब बच्चों के प्रोग्राम के बाद जब शादी हुई तो हम साथ साथ ही काम करते थे, तो मेरे पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई कि तो लोगों ने रिस्पेक्ट से लिया, बाजी भाभी आपा ये हो रही, और कोई मेरे पीछे पीछे भी नहीं आया, ना किसी ने मुझे छेड़ा, ना मुझे किसी ने तंग किया। इवन जब मैं अलग रही 10 साल तो भी किसी ने मेरा पीछा नहीं किया, क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट नहीं की कि आई एम अलोन और सिंगल और ये और वो। सो एक प्रोटेक्शन रही मेरे साथ जो कि अंसारी साहब के साथ होने से दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव आई नो। सेकेंड चांस का ये होता है कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन लोग इसको अलाउ नहीं करते। आपको पता है मेरा जो पहला लिखा हुआ मेरा प्ले था नीली धूप,
वो था ही अबाउट अ यंग विडो जिसकी के बेटी उस वक्त नई नहीं आई थी, अर्जुमंद वॉज वेरी यंग, वो भी शादीशुदा एक नवासी भी है। ठीक है, जमाने में आपने ये प्ले लिखा? मैंने लिखा था 20-22 साल पहले। हाँ। जी अभी मसला हो तो जी। अच्छा, वो नवासी बच्चे छोड़ के जा रही है, मेरी बेटी वो लोग शहूद उसका मियाँ बना था और वो लोग बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे और मैंने बच्ची, मैं पार्लर चलाती हूँ और साजिद कहीं बाहर से आता है, मेरा कज़न है और उसकी डिवोर्स हुई है और मुझे प्रपोज करता है, मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो नानी बनी हुई हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब उस समय मेरी बेटी अपने, मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ तो वो कहती है अम्मी मेरे मियाँ को अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं चुप हो जाती हूँ, नहीं नहीं बेटे मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। उसके बाद उन्हें मियाँ से कहती, कहता क्या हो गया तुम्हें, अजीब बातें कर रही हो, मैं तो कहती नहीं नहीं मैं तो वैसे ही। खैर मुख्तसर ये कि वो किसी तरह साजिद उसको मना लेता है दामाद को और वो बस मुँह बसूर के आ तो जाता है शादी में, यूँ बैठ जाता है मतलब कि ज़बरदस्ती। जब वो फैमिली वे पे जाती है औरत, फिर मसला, वो नानी जो है वो माँ बन, वो 45 की थी उस वक्त, शी कैन गो फॉर अनदर बेबी। अब जब ये हालात होते हैं वो तो बहुत परेशान होती है और अब उनका दामाद जो है ही रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी, उसने कहा तुम्हारी मम्मी का दिमाग ख़राब है, मैं सोसाइटी मैं अपने दफ्तर जाके क्या बताऊँ, मेरी सास के हम मुन्ना होने वाला है, खुदा का खौफ नहीं उनको। चलो जी, बड़ी अकेली थी, उन्होंने तो मजमा जमा कर लिया फला। ओह हो, वो मैंने जो तकरीर लिखी है ना दामाद की, वो आप कभी देखे, अभी यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, बल्कि अभी PTV फ्लिक्स आया ना उसमें सब ड्रामे आ गए हैं, आप देखिएगा अच्छी क्वालिटी में होगा इंशाल्लाह। PTV पे चला था वो, हमने बनाया था प्राइवेटली, हमने प्रोड्यूस किया था, मैंने लिखा था और अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, पर वो PTV वेमेंस डे पे चला था। इतने मुझे फ़ोन आते थे उस वक्त और लैंडलाइन पे मेरे बजते, औरतें कहती थी आपने हमारी कहानी लिखी है, हमारी कहानी लिखी है। मेरी छोटी, मेरी बेटी उस वक्त मीरा कोई 8-9 साल की, कहती है अम्मा मुझे लगता है आप कोई सोशल वर्कर बनने, हर वक्त आपके और अखबारों में ये हेडिंग। तो वो इशू उस वक्त ऐसा था कि नानी उस वक्त फैमिली वे पे जाती है और मियाँ जो है वो उसको कहता है मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा तुम्हारी माँ से, और वो उसकी बच्ची को उठा के भाग जाता है। अच्छा, सब पनिश करता है कि तुम अपनी माँ से मिलने गई थी, मैं तुम लोगों से मिलना ही नहीं चाहता, मेरी बच्ची को मैं ले के भाग रहा हूँ यहाँ से। तो फिर बच्ची मुझे कहती है कि आपने तो तबाह कर दिया मुझे, आपने घर भी बना लिया, मियाँ भी आ गया, बच्ची भी आ गई, मेरा तो मियाँ भी चला गया मेरी। तो मतलब कहने की बात है कि सोसाइटी कहाँ किसी को अलाउ करती है। और आप डिसीजन लेने से पहले, अब आपने बोला है तो मैं ही सोच रही हूँ कि वो एक डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेज आपके प्यारों पे क्या होंगे, ये भी सोचना पड़ता है, उनकी सपोर्ट भी ज़रूरी है। हाँ, अब थोड़ा सा बेहतर है और फिर ये भी मतलब डिपेंड्स ऑन द क्लास, आप कहाँ मूव करते हैं या किन लोगों से आपके आपके रिश्तेदार कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है और आपके बच्चे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। सो बच्चे भी समझदार हैं, आजकल के बच्चों का ज़ाहिर विज़न हमसे थोड़ा और आगे है। So, आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ा या कुछ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अतीका उडो जी की बड़ी अच्छी लगती है बात, जब उनसे मैंने इंटरव्यू किया था तो बड़े अच्छे, वो तो बड़ी दिलेर है, इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बड़े ना बड़े जोश से उन्होंने बताया कि थर्ड टाइम अबाउट हर मैरिज एंड आई थिंक इट इज़ सो ब्रेव ऑफ हर। एंड वही चीज़ है कि अब हम उस पर थोड़ा सा, मैं एज पे भी बात करना चाह रही हूँ इसी चीज़ पे, कि उम्र को हमने कितना स्टैंडर्ड बना दिया ना कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप इस उम्र के हैं, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप इस उम्र के हैं। तो ये किस तरीके से चेंज होगा? क्या आपको कभी कभी लगता है कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाती हैं क्योंकि आपको होता है लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पता नहीं क्या है, कुछ कर लेती हूँ, मैं तो अभी खड़ी यूनिवर्सल बना चाहती हूं। आपको ये फैक्टर कभी नहीं आपके लिए रुका? नहीं, मैं तो देख रही हूँ ना, जब से ये आया सोशल मीडिया तो पहले तो ज़ाहिर है इसको हज़म करना मुश्किल था। देखिए, हम उस ज़माने के एक उसमें थे, अखबार में हमारी तस्वीरें आती थी, हमारी अजमत के ऊपर गुफ्तगू होती थी, हमारे काम पे होती थी, पर्सनल लाइफ पे नहीं होती थी। और पर्सनल लाइफ में ईद के दिन एक आता था फोटोग्राफर, बच्चों के साथ तस्वीर खाए, सिवैयाँ पकड़ के खा रहे थे, शरीफ सा एक इंटरव्यू होता था कि आपको खानों में क्या पसंद है, खुशबू में क्या पसंद है, ऐसा था। तो आप वाह 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 हो रही होती थी। तो अब जो ये हुआ कि हैं 40 साल की औरत के ऊपर कह रहे होते कि भाई कब्र में तुम्हारी टांगे हैं, तुम कब मरोगी, अल्लाह को याद करो। अरे अल्लाह को तो बचपन से याद करना चाहिए, उसमें उम्र का तो नहीं होना चाहिए। जब मैं 40s early 40s की किसी आर्टिस्ट को देखती हूँ, लिखा होता है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, तो मैं तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच गई। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 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 लोग ये कॉमेंट कर रहे होते हैं फेसलेस होते हैं, एक तो उनके नाम भी पता नहीं क्या क्या होते हैं, नाम भी नहीं होते सही से, बट मुझे जेलस होते हैं एक्चुअली वो लोग। आपको नहीं लगता कि ये हम उन लोगों की तो बात कर रहे हैं जो आपसे ही कह रही हैं, आपको आसपास भी कभी कभी नहीं ऐसी लुक्स फील होती, कर जाते हैं लोग, मुंह से शायद ना बोले पर थोड़ा सा कुछ आपको फील होता है, अच्छा ये सोच रहा है बंदा या बंदी के मैंने ऐसा कलर क्यों पहना या ऐसी बात क्यों की या मैं ये क्यों कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे मैं अच्छा ओके मुझे पता क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे जितने दोस्त हैं वो मेरे जैसे ही हैं। तो
ये चेंज कैसे होगा, आपको क्या लगता है इसको किस तरह? जैसे मैं ये बात सोच रही थी अतीका ओडो जी का, जो मैंने मेंशन किया वो ये कि उन्होंने पब्लिकली इस बात को मेंशन किया, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ताकि ये जितना आप बात करेंगे उतनी चीज़ नॉर्मलाइज होती है ना कि हाँ भाई उसने भी तो किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हमारी समीना अहमद सदके जाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यूट कपल है देखिए माशाल्लाह। तो आपको लगता है कुछ लोगों को ऐसी बहादुरी से चीज़ें कुछ करनी पड़ेंगी, बैशिंग लेनी पड़ेगी, फिर ये रास्ता खुलेगा, हम उमर को स्टैंड बनाना बंद करेंगे? देखिए बैशिंग तो हर हालत में, अब देखिए समीना और मंजर ने अनाउंस किया, वो कहती मैंने नहीं करना था, खामखाई बकवास, उस पर भी हम जैसे लोग तो बहुत खुश हैं, तो लेकिन कुछ जेलस लोग हैं या कमतर लोग हैं जहनी तौर पे, वो पता नहीं क्या क्या भी कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल हमारी जो मैंटेलिटी है वो वैसे भी, चाहे कोई दूसरी शादी करे या तीसरी करे या ना करे या अकेला ही बैठा हो, वो कहेंगे कि हैं ये इतना एक्टिव है और ये इतना काम कर रहा है और ये पैसा कमा रहा है और ये खुश है, इसके दांत बाहर है, ये क्या मतलब, क्यों? मैं तो घर में पड़ा सड़ रहा हूँ या सड़ रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ से वहाँ तक हो गई, इसको देखो औरत को, ये पता नहीं कब बुढ़ी होगी, इसको देखो इससे कितने फैशन किए हुए, तो वो फिर उनकी नैरो माइंड, बेसिकली वो ड्राइव होती है एक्चुअली। देखें एक तो क्रिएटिव ड्राइव होती है आपके अंदर, एक आपके अंदर एनर्जी होती है जो आपको कहती है अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये पेस जो है ना ये रखना चाहिए ज़िंदगी में। मेरे पास अल्लाह मियाँ को पता कितना टाइम है, मेरे पास 20 साल आगे तक का दिल में प्लान है कि मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगी, ये कर सकती हूँ, उसके बाद मुझे ये करना चाहिए। और अभी भी मेरे पास 3-4 चीज़ें ऐसी जो मेरे पीछे, दो पब्लिशर लगे हुए हैं कि किताब अपनी लिखें आप। मैं तो इतना इम्प्रेस हूँ कि आप मुझे बड़ा मोटिवेट कर रही हैं कि ड्राइव है, दिल चाह रहा है। अल्लाह मियाँ मुझे वैसे मुझे अच्छी लगती है ज़िंदगी, अल्लाह मियाँ सेहत वाली ज़िंदगी दे। जब से मेरी बहन गई है तो हम अजीब से ही हो गए कि हैं पता नहीं ये चीज़ें, पता नहीं जब क्या है, अच्छा पता नहीं है कि नहीं, तो वो अजीब से हम हो गए। तो एनी वे, मगर दिल चाहता तो है कि अल्लाह मियाँ एनर्जी के साथ यूँ चलते फिरते काम करते करते खुश खुश और बच्चों की तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें। बाकी हम बाकी तो अल्लाह को पता है क्या करना है। लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है अगर ज़िंदगी में सुबह उठे आपने हांडी पका ली, उसके बाद आपने टीवी देख लिया, उसके बाद आपने 2-4 लोगों की चुगलियाँ कर ली, ये कोई ज़िंदगी है? फोकस फोकस, अब क्या करना है, अब क्या करना है। हमने तो बच्चों की शादियाँ भी कर ली, खैर से अल्लाह का शुक्र है उनके लिए जो करना था वो भी हो गया, काम भी कर लिया, जो कुछ अल्लाह ने इज्जत मोहब्बत देनी थी लोगों की वो भी मिल गई। अब ये करूँ मैं कि दफ़ा करो छोड़ो, अब मैंने क्या करना है, मैं बैठ सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें करने की कि अब म्यूज़िक में पता नहीं क्या क्या मैंने करना है माशाल्लाह। अभी मेरे दिमाग में मेरी, मैं अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू कर दूँ, दो पब्लिशर है जो कह रहे कम अज कम आप रिकॉर्ड कर दें, करना चाहिए, और नूरुद्दा शाह कहती है मैं एडिट कर लूंगी, हाँ, बोले प्लीज करें ना, तो हाँ करना हाँ। है मुझे मतलब करना है हाँ। अभी जो आगे चीज आ रही है, अब जो आगे चीज आ रही है वो है, फिर मैंने ट्रैवल करने चल जाती हूँ, फिर मैं बाहर का कोई काम कर लेती हूँ। तो कहने की बात यह कि आपके पास अल्लाह ताला सबसे पहले तो उसका करोड़ शुक्र है कि उसने चलते फिरते रखा हुआ है। खुदा ना करे किसी ऐसी आजमाइश में ना आ जाए कोई भी, कोई भी, कभी यंग लोग भी आ जाते हैं, बूढ़े भी आ जाते हैं, बीमारी ना हो जाए कोई, तो क्यों नहीं, जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है, एंजॉय करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है ना, आई होप जो खवातीन सुन रही है वो इस बात को, क्योंकि यही होता है एक सर्टेन एज पे पहुंच के खवातीन अपने आप को छोड़ देती हैं, बस कर लिया बच्चों की शादी, अब तो बस अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह भी कोई मना नहीं कर रहा। बट स्टारडम और मदरहुड में आपने कुछ अपना हिस्सा, अपनी ज़ात का लूज़ किया, आपको लगता है अब रिकवर कर लिया कुछ? आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने मिस की, जैसे एक खामोश पानी एक फिल्म बनी थी, सबिया सुमार हमारी बड़ी प्यारी डायरेक्टर हैं, वो फिर बाद में उन्होंने किया था किरण खेर ने वो रोल ना, उस ज़माने में नरिमान के ओ लेवल्स हो रहे थे और वो कह रही थी कि हसन अब्दाल में वर्कशॉप्स करनी होंगी, तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आ सकती। ऐसे मैंने बहुत से काम और छोड़े, बाहर में टूर्स पर जाती थी जैसे हम लोग के शोज़ होते हैं वहाँ, पूरा साल में जवाब दे देती थी कि बच्चों के बगैर नहीं, और लेके जाती थी लड़कियों को साथ, सिर्फ छुट्टियों में लेती थी और आधे पैसे वो खा जाती थी, पर मैं कहती थी मैं 2 महीने के लिए लड़कियों को छोड़ के जा नहीं सकती, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, लंदन, सऊदी अरब, दुबई, एवरीवेयर, सब जगह मैं अपनी बेटियों के साथ गई हूँ, मैंने छोड़ा ही नहीं कभी उनको। आई डोंट हैव अ सिंगल गिल्ट कि मैंने अपनी बेटियों को निगलेक्ट किया हो, अल्हम्दुलिल्लाह, या मैंने मेरे काम की वजह से उनका स्कूल मिस हुआ हो, नो, मेरी वजह से वो लेट हुई हो, नहीं, मैं 4 बजे भी सुबह सोई हूँ, मैं स्कूल छोड़ के आई खुद, मैंने ड्राइवर नहीं रखा कई साल क्योंकि मैं खुद चलाती थी गाड़ी, क्योंकि मैं लड़कियों को पहुंचा के आके सो जाती थी फिर। तो मुझे ये बड़ा शुक्र है कि मेरे दिमाग में ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ फलां वक्त पे मैं नहीं थी। सुबह नरिमान को उनके स्कूल में फाउंडेशन में, माहिरा और नरिमान और मीरा सब एक साथ एक स्कूल में थी, तो वो
सुपर किड बनना होता था, तो वो सुपर किड बन रही थी तो उसको बड़ा तेज़ बुखार था, तो मैं उसको गोद में लेके गई सुबह सुबह, उठा के फूक रही थी बुखार में, सब कोई चीज़ मिस नहीं की, शुक्र है मुझे, मैं तो अपनी तरफ से बड़ी अल्लाह का शुक्र है मुतमईन हूँ इस तरह से, उनकी शादियों की सब चीज़ें, उनके दो मीरा का बेटा बड़ा वाला लंदन में हुआ, दो महीने जाके वहाँ उसकी खिदमत की, बच्चा हुआ खैर से, फिर उनको संभाला, यहाँ पे छोट बड़ी के बच्चे, तो कहने की बात है कि मैंने क्या हाय फलाने की डिलीवरी में मैं नहीं थी ना, बेचारी मेरी बच्ची थी तो फलाने, नहीं आई थिंक मैंने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी मुनीजा हाशमी के साथ, हाँ आई लव दैट इंटरव्यू, वहाँ पे मुझे एक डिफरेंट भूषण सारी नज़र आई, वहाँ पे मुझे लगा वो भूषण सारी है जो थोड़ा सा शिकवा भी है उनको, साइलेंट शिकवा बट एक्सट्रीम प्राइड भी है उनके अंदर कि एक मुझे प्रिविलेज दिया गया है कि मैं जाके करूँ, बट उसके साथ मुझे ये भी सारी जगहों पे पूरा पूरा उतरना है, मुझे लगा ये साइलेंस का शिकवा है, लेकिन देन यू वर आल्सो वेरी प्राउड दैट यू डिड एवरीथिंग, यू नो मुझे लगा वो जर्नी का हिस्सा था, अब वो स्टेज निकल गया, अब आप बिल्कुल एक खुश स्मूथ राइडर हैं। उस वक्त आई वाज गोइंग थ्रू वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, उस वक्त हम सभी सबा का भी देखे तो अकेली थी वो भी हंस रही थी कि हाँ सिंगल होके मज़ा आ रहा है, बट आ नहीं रहा था मज़ा हम सबको, हम बड़े मुश्किल में थे, वो हमारा एक मिडिल टाइम था जिसमें हम अभी बहुत से महाजों पे लड़े थे, वो मुझे लगा कि ये है थोड़ा सा शिकवा साइलेंट कि बस इतने महाजों, आपने सही बोला ये महाजों पे मैं लड़ रही हूँ, लेकिन प्राइड भी था मुझे लगा। हाँ फिर उसमें फ़ाइट तो करना था ना, फिर उन हालात में रहकर कुछ करके भी दिखाना था, और फिर अल्लाह ताला का करम है हर चीज़ का, देखें कॉम्पनसेशन इज़ अ राइट वर्ड, कहीं कोई कमी होती है तो अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं, सही बात, कहीं आप यूं गिरते हैं तो फिर आप यूं उठते हैं, हम सिर्फ नोट नहीं कर रहे होते वो चीज़, ये देखना चाहिए, हम दुख पे ही सिर्फ फोकस करते हैं, हम हाफ ग्लास फुल को देखें, इसी तरह हम चले। फिर एक ज़माने मेरे फादर कहने लगे कि तुम हाफ ग्लास फुल देखा करो, तुम्हें कितना कॉम्पनसेशन है, बस ये देखा करो, तो वो देखते देखते फिर ये दूसरे सवाल में मैंने अपने आप से करना करती थी मैं ज़्यादातर कि ये सिचुएशन मुश्किल है, अच्छा तो दूसरी सिचुएशन क्या इससे बेहतर होगी मेरे लिए बच्चियों के लिए, तो तीन लोग अपसेट हों इससे अच्छा एक ही अपसेट रहे, बड़ी बात है। फिर ऐसे करके लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगे बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपीरियंस, तीन चीज़ें अगर मैं बोलूँ आज की यंग लड़की को, एक 20 साल की लड़की को, आप क्या आगे की ज़िंदगी के लिए एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो फाइनेंशियली अपने आप को मज़बूत करें, उससे पहले उससे पढ़ें आप, हमने क्या पढ़ाई की है, MBA करके शादी हो गई, ये कोई पढ़ाई थी, मगर चलो ज़माने में MBA में ही होता था। अपने आप को फाइनेंशियली ज़रूर आप स्टेबल करें, आप चाहे BA करें तो BSc करें तो चाहे MSc करें तो MBA करें, वॉट एवर, साथ ही कोई स्किल ऐसी ज़रूर सीखें। मैं तो अपनी जो हाउस हेल्प है उनकी बेटियों माशाल्लाह वो MBA कर रही हैं, पढ़ रही हैं, मगर फिर भी मैं कहती हूँ कपड़े सीने सीखें, सिलाई करना सीखें, खाना पकाना सीखें, आजकल तो ऑनलाइन कुकिंग के इतने कोर्सेज हो रहे हैं, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है, आपने अगर चलो आम सा BA किया हुआ है, आपके मियाँ की तनख्वाह गुजारा है, आप उसका हाथ बटाएं, आप कम से कम अपने खर्चे उठा लें। ज़रूरी है अब आपके एक आदमी कमाए और 6 आदमी खाएँ, ये जुल्म है अब मुश्किल है। सो अपने आप को इस तरह से आप करें कि डिपेंडेंट ना हो। मुझे डिपेंडेंसी से इतना डर लगता है, तो मैंने चाय क्यों नहीं पी कि मुझे ये ना हो कि हाय मैं चाय नहीं पी तो सर में दर्द है, चाय के बगैर मेरी आंखें नहीं खुल रही, आई डोंट वांट टू सी से दिस, मैंने चाय पी भी लूँगी नहीं भी पीऊँगी तो क्या है, मैं गाड़ी भी चला लेती हूँ, मुझे कढ़ाई इतनी अच्छी आती, मैं कुशन के कुशन गाड़ लेती थी, मैं क्रोशिया बुनना आता है मुझे, मैं कमीज़ों के गले कढ़ाई कर लेती थी, मुझे पसंद थी एम्ब्रॉयडरी करना, मुझे ये मैं अपना मेकअप बाल खुद बनाती हूँ, मुझे सब आता है, मैं मजबूर नहीं हूँ अल्लाह के फजल से कि मेरे को हाय अल्लाह सैलून बंद है मेरे बाल कौन बनाएगा, मैं बना सकती हूँ, मुझे मेकअप भी आता है। सो आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको मुसल्ला होना है, ज़िंदगी की जंग में बहुत सारे महाज हैं, सही बात, आपको मुसल्ला होना है, लोगों से लड़ने के लिए नहीं, अपने आप से लड़ने के लिए, और अपने आप को मजबूत, जब आप मजबूत होंगे कोई आपसे लड़ नहीं सकता, सही बात। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें से, फिर बाकी आपकी शादी हो, बच्चे हों, मुश्किलें हों, आसपास के लोग हों, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, यू कैन फाइट विद एवरी। अरे मैं क्या मिसाल दूँ, देखिए लड़कियाँ कैसी मोटरसाइकिल पे चली जा रही हैं, काम कर रही हैं। आपने बहुत खूबसूरत एडवाइस दिया, और मुझे कभी कभी लगता है कि हम लड़कियों को सिखाते नहीं ये बात जो आप कह रही हैं, और फिर जब सर पे कुछ गिरता है
फिर वो बेचारी लड़खड़ा के खड़ी होती हैं, गिरती पड़ती हैं, बड़ा टाइम लग जाता है खड़े होने में, कई दफ़ा तो नहीं खड़े हो पाते क्योंकि हम सिखाते नहीं, फिर उनको भाइयों की तरफ देखना पड़ता है। एग्जैक्टली, भाई भी मुश्किल में। और कभी कभी ज़माना है आपको इजाज़त नहीं देता कि आप लड़खड़ा, आपको खड़े होना ही पड़ता है रोते धोते, तो इससे बेहतर है कि हम इक्विप कर दें और लड़कियाँ खुद इक्विप करें अपने। बिल्कुल, तेरे बिन की तरफ आते हैं। मेरा तो इतना दिल चाह रहा है, मैं गप्पे लगाती रहूँ बड़ी, चार घंटे तो निकल जाएंगे। मैं आपको बता रही, मेरे पास बड़ी अभी भी मतलब मैं आपके हमें टाइम नहीं, 4-5 हम बनाएं और हम बात करें अनुर मकसूद साहब की। और पहली बार आप मुझे इतनी क्यूरियस है, पहली बार मिली तो कैसा था आपका? अरे बहुत अच्छा लगा। एक तो पता क्या, मैंने उनको देखा था 50-50 में, वो आते थे शुरू में ना, पहली बार वहाँ पे आपसे? नहीं नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में थी जब 50-50 हो रहा था, जब हम वापस। अच्छा, उससे पहले आपकी मुलाकात? नहीं नहीं, उसमें नहीं, मैं तो कराची में थी नहीं ना। मैं अंसारी साहब तो PTV के एम्प्लॉय थे, तो हमारा ट्रांसफ़र हुआ और मैं जब आई तो 50-50 वो छोड़ चुके थे। ओके, कुछ अरसे उन्होंने किया था, फिर वो शोषण करने लगे जिसमें मैं बिजली बनी। तो मैं उनसे मिली तो बड़े दिलचस्प से और बड़े अच्छा, मुझे पहले समझ नहीं, धीरे से जुमला छोड़ देते थे वो, पता नहीं क्या कह रहे हैं, अजीब सा जुमला ना। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझा कि ये तो कोई बात कह रहे हैं तो इसका कोई मतलब, बड़ा मज़े का मतलब है। मगर बड़ा अच्छा रहा उनके साथ, एक बड़ा अच्छा रिलेशन रहा। एक तो म्यूज़िक का बहुत बड़ा हमारा, समझे कि जो म्यूज़िक का लिंक है ना वो दुनिया में हर जगह मेरा, उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और उनके पास बड़ी कलेक्शन है, और उन्होंने चूँकि EMI में बहुत काम किया हुआ है तो एक इंसाइक्लोपीडिया भी वो हैं, कौन सी फिल्म में कौन से कंपोज़र ने किस शायर ने कब क्या किया कि सब उनको पता है। और वो अरशद महमूद होते थे EMI में, तो उस तरह से एक बड़े सोर्स थे वो। मैंने कहना फलाना गाना, उन्होंने कहा हाँ भी मिल जाएगा। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल लाते थे पंजाबी के फिल्मी गाने, जो हमें कई दफ़ा फिल्मों के नाम नहीं आते ना, उनको पता होता था सब। हाँ, उनको सब पता था। और पुराने जो कि क्लासिकल इंडियन पुराने सिंगर थे, वो मेरी मदर को जिनके नाम आते थे उनके म्यूज़िक भी, तो उस तरह से उनसे बहुत अच्छी हमारी फिर काम के हवाले से भी बहुत अच्छी मुलाकात रही। और फिर जो उन्होंने लिखा उसकी तो क्या ही बात है, अब तो अकेला कितना अच्छा बोल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो तेरे बिन माँ बेगम, माँ बेगम क्या है, ग्रे कैरेक्टर है, ब्लैक है, वाइट है, क्या है? मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ माँ बेगम से। कभी वो इतनी प्यारी एडवाइस देंगी मीरब को कि मुझे लगता है कि अच्छा ये बड़ी डिफरेंट सास है, ये मीरब की चाह रही है कि बेटे का घर रहे और बहू जो है वो अच्छा कर ले। कभी कभी मैं कहती हूँ यार ये कुछ इनके मुझे डबल माइंड ही लग रहे हैं, मकसद आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कोई इंट्रीगर टाइप औरत नहीं है। वो एक रिवायात को जो रखने वाली, एक प्रिंसिपल जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके ख़ानदानी वक़ार टाइप चीज़ें होती हैं, वो रखती है। उसी हवाले से वो हया की भी ऐसी तैसी कर देती है, अपनी बेटी की भी कर देती है और मीरब की तो कर ही देती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी इतनी लेयर्स है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल टाइप ऑफ अ रोल, नेगेटिव नहीं है वो, नहीं बस वो रवायत की वो है। हाँ। कोई हम उनसे साजिश या वो नहीं, नहीं, नहीं साजिश वाजिश कुछ नहीं। okay. उन्होंने अपने खानदान की लड़की को बुला के उसको अपने घर में ले लिया वापस, क्योंकि वो समझती थी कि भाई हमारी लड़की है वो कोई पता नहीं पढ़ने चले जाएगी। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जाहिर है, पुराने लोग रिजिड होते हैं उस हवाले से, अगर वो अनरीजनेबल थी भी तो भी उन्होंने कोई उसको उठा के फिकवा नहीं दिया, अपने घर में लाई, एक बड़ी स्टेटस के साथ उसको रखा। सही बात है। अभी ये रिसेंटली बस जो चल रहा है, तो हया से कोई कोई पूछ क्यों नहीं रहा है कि भाई तुमने, आपने पूछा, माँ बेगम ने पूछा, बट इतनी बड़ी बात कि तुम्हें पता था तो तुमने किसी को भी नहीं बोला, मुर्तसम भी नहीं कह रहा, वो भी नहीं कह रहा, थोड़ा ये हम क्यूरियस हैं। बहुत सारी ऐसी हैं, देखें फ्लॉज होते हैं ड्रामों में और हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनको भी पता ही होगा। मसलन अभी मैं ही कह रही थी कि मैं ख़ुद से नाराज़ हूँ एक सीन में, कि मैंने बीच बीच में कई दफ़ा, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी तो कुछ कुछ मिस हुआ मुझसे, मेरी बेटी अगवा हो गई है। ये वक्त एक्चुअली कई दफ़ा ऐसा भी होता है राबिया, कि सुबह के 4 बजे सीन हो रहा था ये वाला जो बहुत, और सारा दिन हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ था जो भी रीजंस थे। अब अगर मैंने सुबह से 12 बजे से ये पलके लगाई हुई और ये छज्जा बनाया हुआ है और हार पहने हुए और मैं बैठी हुई हूँ और मेरा 1 या 2 सीन हुए हैं, कुछ भी रीजंस हो, किसी का भी कसूर हो, होते हैं मसले मसाइल, तो मेरी एनर्जी तो 11 बजे 12 बजे ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, मैं कुछ काफ़ी पेशेंट औरत हूँ, अदरवाइज मुझे लोग कहते ही हैं, मैं तो क्या, कवि साहब तो फर्स्ट आ रहे थे पेशेंट्स में और जावेद सेकंड आ रहा था, मैं थर्ड आ रही थी क्योंकि मेरा रोना निकल जाता है, लेकिन मैं चीखती नहीं हूँ ज़्यादा। मेरे तो पेट में घड़ी लगी हुई, मेरे तो ये मेरे क्या बहरोज के भी लगी हुई है, हम सब बड़े पंक्चुअल लोग हैं। मैं तो डर के मारे टाइम से तैयार, 4:15 बजे मैं तैयार थी, तो आप देखे ना, मैं सिर्फ रास्ता में घूमी क्योंकि वो सड़कें खुदी हुई थी। खैर, अब अगर मैं सुबह से बैठी हूँ, मेरा एक सीन हुआ है, अब मेरी खातिरें भी हो रही हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, 7th Sky का जवाब ही नहीं है, मतलब पैम्पर कर करके बंदे को
बिगाड़ ही देते हैं। सब कुछ आराम से है, एवरीथिंग इज़ देयर, अब सीन नहीं हो रहा, कभी कुछ मसला है, कभी किसी का हो रहा है, कभी जो भी है। जब रात के 12-1 बजे वो खौफनाक मुश्किल सीन होना है जिसमें कि मेरी बेटी भाग गई है, बहुत बड़ा सीन, और 4 बजे में चक्कर आ रहे हैं मुझे बिल्कुल, मैंने 1-2-4 दफ़ा इस प्रोजेक्ट में कहा है कि मैं गिर जाऊँगी। अच्छा, और मैं बहुत ज़्यादा हर वक्त चरती भी नहीं हूँ, मेरी कुछ टाइमिंग्स हैं, मैं 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ, दोपहर को खाना नहीं खाती, फ्रूट खाती हूँ। 12 बजे तो हालत बुरी, तो मतलब आप सोचें, और मैं तो वो तो बेचारी, मैं मुँह से कुछ निकालूंगी तो ला देंगे ना, लेकिन अब जब इतना क्रूशल सीन हो रहा है उसके अंदर मेरी एनर्जी जो 0 से भी नीचे जा चुकी है, एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जैसे नाइट टाइम है तो मेरा अटायर कुछ और होना चाहिए था, मुझे एक मैक्सी नाइटी पहननी चाहिए थी। आई डोंट ब्लेम एनी वन एल्स, मैं कहती तो बना देते वो लोग, मैंने क्यों ना सोचा। तो मैं आज यमुना से सुबह बात करती, मैंने कहा यमुना मुझे तो अपने पर ही गुस्सा आ गया कि मैंने अपने वो बुंदे ना उतारे, कमबख्त मारे। सबसे पहली बात ये डायरेक्टर का काम है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को ब्लेम करती हूँ, मैं पहले अपनी गलती बता रही हूँ कि मुझे उस वक्त, और शुक्र है कि मैंने 1-2 जगह ये किया कि सुबह फजर के टाइम जैसे मैं तस्बीह पढ़ी हूँ, और मेरा बेटा रात को जब शादी की रात चला गया है और मैंने कहा कि तुम अब आ रहे हो, मैंने कहा नहीं, मैंने ये सब उतार दिया, मेकअप हल्का किया, मैंने बुद्धे शुद्धे उतारे, कम से कम इतना, चलो दुपट्टा सर पे रखा रहा सुबह घर में। ये हमारी, हम जब रियलिस्टिक काम कर चुके हैं हमें तो ये चीज़ बॉदर, किसी ने ये आज अभी तक मुझे नहीं कहा, मैं कह रही हूँ अपने आप को, मैं खुद बता रही हूँ, आपने भी ये नोटिस नहीं किया। मैं थक जाती हूँ, मैं क्या क्या बोलूँ, मुझे लोग ऑलरेडी बोलते हैं कि आपने ये नोटिस किया जो मैं अपनी गलती बता रही हूँ, लेकिन ये प्रोडक्शन की भी गलती है, ये डायरेक्टर की भी है। आपको पता है एक ज़माने में, जब वही ज़माना हमारा करोड़ साल पुराना, तो कहते थे डायरेक्टर, बल्कि मैं अंसारी साहब का ही कोट करूँगी, मैं एक ड्रामे में पता नहीं क्या था मेरा, उन्होंने कहा मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मुझे आपके ये शाइनी लिप्स नहीं चाहिए, क्लीन करें, मुंह धो के आए। ये डायरेक्टर होता था, अब हम खुद करते हैं क्योंकि डायरेक्टर नहीं कहीं कह सकते या नहीं कह पाते, कुछ कहते भी होंगे मुझे ये नहीं पता। तो कहने की बात यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से ब्लंडर्स हुए हैं, जिसमें से एक ब्लंडर, पहले मैंने अपनी गलती बताई, एक ब्लंडर ये है, मुर्तसिम को उसने फ़ोन किया है कि तुम्हारी बहन मेरे पास है, अरे तो तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो, अरे बंदूकें लो, गाड़ियाँ लो, तो पहुँचो उसके गाँव जहाँ तुमने अपने नौकर को भेज दिया। एग्जैक्टली, अरे हुई मतलब, और वो फिर रहा है, बोल रहा है आराम से फिर रहा है, नहीं वो ढूंढ रहा है, फिर बात सोच रहा है, फिर अपनी बीवी को कुछ कह रहा है, फिर उसके साथ उस घर में गया जहाँ पे वो गलत काम हो रहे थे, अरे भाई वो कह रहा है मेरे पास है तुम्हारी। तो ये चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, और मेरे ख्याल है जो कंटेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं सब चैनलों के बने हुए हैं, ये सबको देखना चाहिए, अकेला राइटर सब चीज़ें लेके नहीं चल पाता, तो उन्होंने बनाए हुए लोग, उन्होंने अपने अपने सभी चैनल्स ने बनाए हुए, तो बड़ा उसका नाम भी बड़ा है, कॉन्टेंट डिपार्टमेंट, कॉन्टेंट हेड, तो कॉन्टेंट फलाने, तो फोकस ग्रुप, तो ये चीज़ों के नाम हमने अब सुनने, तो उसमें ये उन सब के लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा तजुर्बा है। सही बात है, इसलिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को कोई बड़ी बानो कुदसिया समझती हूँ, इसलिए कि मैं उन लोगों से ज़्यादा जानती हूँ जो आजकल अभी ड्रामा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये हम अपनी अपनी गलतियों को देखें तो अच्छा है। और अच्छा, सिर्फ हैरानी की बात ये कि उस ड्रामे में और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, डेफिनेटली बच्चों का इतना प्यारा रिलेशनशिप, दोनों ने खुद रोमांस बड़ा क्यूट लगा, प्यारा रोमांस है उनका, हाँ, लेकिन फिर ये इतनी सामने ऑब्वियस की चीज़ें जो नहीं, जब तो आप, आपको ना समझ नहीं आती, आप कहते यार ये कैसे हो गया, यू नो, तो उस पर ज़रा कन्फ्यूजन होती है, और हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इतना प्यारा प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें, तो उसके आगे मैं एक बात कहूँ जी, आवाम क्या कोई चूटियाँ हैं, मुझे नहीं पता हम एडिट में रखेंगे या नहीं रखेंगे, मैं हंसी आ गई, क्या आवाम, आवाम कोई चूटियाँ हैं, बस खत्म। बट आप एग्री करती हैं जितना भी क्रिटिसिज्म आ रहा है? नहीं, मैंने वैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं देखा क्योंकि फ्रैंकली मेरे पास जहाँ मैं रहती हूँ ना इमार में केबल ही नहीं है। अच्छा, फिर यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कोई चीज़ ढूंढ के, तो ऊपर से मैं ही टिकती नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ इंस्टाग्राम वगैरह मैं देख लेती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल में भी देख रही होती हूँ, तो चीज़ें देखें पॉइंट आउट करने से बेहतर होती हैं, चाहे वो मेरी अपनी, मैंने सबसे पहले अपनी गलती दोहराई है कि मुझे कोई मना कर रहा था, मैं उतारती सब, मैं बूद होती, मैं पहन लेती एक मैक्सी में नाइटी, मेरे पास घर में भी 6 पड़ी हुई हैं, मुझे क्यों नहीं अकल आई, तो मुझे, मैंने अपने आप को खुद ही जस्टिफाई किया कि शायद मेरे दिमाग उस वक्त सुन हो गया था, सुबह के 4 बजे मैंने ये सोचा क्यों नहीं। मैं जब कब्रिस्तान पे गई हूँ शाहनवाज की कब्र पे, तो मैंने कहा नहीं मैं पिंक कपड़े पहनूंगी, मैंने वो सारा अपना मुंह साफ किया, मैंने झुमके बुंदे उतारे, सिर्फ दुपट्टा और शॉल रहने दी क्योंकि मैं बाहर निकल रही थी,
और मैंने बकायदा खुद ही तो हाँ सिराज ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे अब कौन बताएगा यार, मुझे इसको बताने वाली बात है ये, मुझे पता होनी चाहिए बिल्कुल। अब जैसे अब मैं तो इतनी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या करें, कितनी बातें बोलें, जैसे सो रही है हीरोइन, मेकअप किया हुआ है, सो दैट्स मतलब बहुत ज़्यादा मसला लगता है मुझे इस चीज़ से, एक्सीडेंट हुआ हुआ है लेकिन हॉस्पिटल बेड पे मेकअप के साथ हैं, आई रियली फील एंड आई फील ये चीज़ें दे टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ना। आप वो बस देखिए मैं ये कहती हूँ कि ये इस तरह के जो ड्रामे हैं ना, खूबसूरत फैंटसी, बड़ा घर माशाल्लाह, इतनी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, चलो हमारे भी कपड़े अच्छे, हम भी सोना अच्छे ही लग रहे हैं कुछ जो भी है, इट्स लाइक अ फैंटसी। आई थिंक इसमें रियलिज्म ना ढूंढे। अब यहाँ चूड़ियाँ आपने रियलिज्म ढूंढना है तो फिर और तरह का भी काम देखे, मतलब हम फिर मैं अपने ड्रामों की बात नहीं करी, और भी बहुत अच्छे ड्रामे, मैं इसी की बात करूंगी, बीगुल के ड्रामे कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जफर मिराज के ड्रामे कितने अच्छे हैं, नूरुद्दशाह के ड्रामे कितने अच्छे हैं, रियलिस्टिक थे ना, तो हमने वो किया हुआ है ना, हमारी तकलीफ की शिद्दत का आपको अंदाजा नहीं है जिन्होंने कि किया हुआ है। जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब नहीं आपको अंदाजा था कि ऐसा होगा, देखिए मैं आपको तो ये स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या वो स्क्रिप्ट हो या जो भी स्क्रिप्ट हो, आजकल के जो भी स्क्रिप्ट हैं लगभग एक ही तरह के हैं। ओके, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाय 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 मैं तो तड़प गई वो वाला, जैसे मैं आपको बताऊं, प्यार के सदके वाला बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था, मैंने फॉलो किया वो ड्रामा जी, फ्रॉड भी अच्छा ड्रामा था, जंजबील अच्छा लिख रही है, फ्रॉड अच्छा ड्रामा था, तो ठीक है ना, वो भी तो इसी जमाने की है ना जी, फिर रकीब से अच्छा था, रकीब से अच्छा था, परिजात तो खैर नॉवलिस्ट है बड़े अच्छे, हाशिम उन्होंने लिखा था, और देखिए अगर वो ड्रामा हिट होता है ऐसा ड्रामा भी तो देखने वाले हैं ना। मैं पता क्या कहती हूँ, एक लोग होते हैं जो क्लासिकल सुनना चाहते हैं राग रागनी, एक सुनना चाहते हैं सेमी क्लासिकल, एक सुनना चाहते हैं हल्का फुल्का, एक सुनना चाहते हैं लाउड रॉक, सबकी पसंद का ख्याल रखिए ना। आपने इतना शोर मचा दिया है रॉक म्यूज़िक से कि बेचारे हल्का म्यूज़िक सुनने वाले तो डर गए, क्या वो मर जाएँ। हर तरह का ड्रामा होना चाहिए, हर तरह का टेस्ट लोगों का होता है, तभी तो फिर आप जैसे इन जैसे लोग नहीं देखते ना ये ड्रामे। नहीं नहीं मैं तो देखती हूँ, मैं आपका तो चलो अभी काम है ना, अगर आपका ये जॉब ना होता तो आप देखती थी क्या? एक्चुअली मैं यही आपकी बात को माफ़ी के साथ थोड़ा सा ये बात करूँगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर तरह के ड्रामे होने चाहिए, तो सास बहू पे भी करें आप, इंटेलिजेंट ड्रामे भी करें आप, थॉट प्रोवोकिंग भी करें आप, कोई मजाक का भी कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी ड्रामा ऐसी बेवकूफ़ियाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी चीज़, कोई भी लॉजिक ऐसी बेवकूफ़ियाँ जस्टिफाई नहीं कर सकती, वो किसी भी किस्म का ड्रामा। बिल्कुल, सो सिर्फ ये मेरा पॉइंट है, मैं इस बात पे कर ही नहीं रही कि ड्रामा इन इट सेल्फ उसका कंटेंट कैसा है, कि हया से कोई पूछ नहीं रहा है कि अनस अच्छा लड़का है, अनस कौन है, अनस अच्छा लड़का है, यू नो अनस तस्वीर ले रहा है, अनस भगा के ले जा रहा है, हया सामने वीडियो बना रही है, It does not make sense and I feel के बस जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये हाँ नहीं, ये तो ज़ाहिर है हर चीज़ का कोई सेंस, कोई लॉजिक, कोई अब आगे आपने जिस तरह का भी माँ बहनों को प्रेजेंट करना है, जैसी भी रिलेशनशिप आपने मुर्तज़िम और मीरा की करनी है, किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, वो तो एक अलहदा ही चीज़ है। अच्छा, मरियम के साथ माँ बेगम बड़ी सख्त मुझे लगा ना, वो उनको दुख है इस बात का कि इसने मेरे एतबार को तोड़ दिया है, ये चली गई नहीं, अब या तो, इधर भी अब वो तो उनका, अब तो उनका स्ट्रिक्ट होना बनता है, लेकिन मैंने देखा कि मैं शुरू से ही मैंने देखा कि अपनी बेटी को कोई खास मुंह नहीं लगाया उन्होंने, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा बीच में तो गले लगा के बोला तुम्हारी मर्जी के बगैर शादी नहीं। हाँ, मगर जैसे कि बेटी लाडली होती है ना वैसा नहीं, शायद उतना ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूशन मिला नहीं उस कैरेक्टर को, और वो मिसिंग लग रहा है, ये जस्टिफाई मुझे मुझे, मुझे अब देखने से लग रहा है कि वो मेरी बेटी है ना, वो तो मीरब और हया से कहीं आगे है, हया को ज्यादा दिखा करती है वो, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन और हो सकता था कि मेरी बेटी है, मैं उसको जरूर स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई ये यूँ होगा तो ये यूँ नहीं होगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ अफेक्शन, कोई और क्लोजनेस, या मीरब के बारे में भी कोई बात उससे शेयर हो सकती है, या हया के बारे में कि देखो ये लड़की कितना मुझे तंग कर रही है, क्योंकि माँ बेटियाँ तो एक होती है ना। सही बात है, वो थोड़ा सा मुझे फासला लगा है अब इतना सारा देखने के बाद, शायद उस पर और काम हो सकता था, लेकिन बाहर जहाँ हीरा को टाइम मिला, मौका मिला, उसने बड़ा अच्छा रोल किया। आपको क्या लगता है मीरा की गलती है? ये बड़ी डिबेट चल रही है। हाँ है, तो इस तरह के नहीं, एक्चुअली इतनी नाइव वो है नहीं जितनी वो बेवकूफ़ी वो कर गई, क्योंकि वो तो लड़की बड़ी लॉजिकल है, लेकिन उसको मलिक जुबैर ने अच्छा बेवकूफ़ बनाया था, देखें मुर्तज़िम गया तो एक और घर दिखाया,
वो गई तो एक और घर दिखाया। आई थिंक तो अब वो गेम अच्छी बनाई है, वो गेम अच्छी बनाई, लेकिन साजिश वहाँ अच्छी थी। हाँ, उसकी माँ को भी लाए तो ऐसी पता नहीं कौन सी उठा के लिया सब। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी वो जो वो घर से भागने का जो था कि एक दिन में ये वापस आ जाएगी, आई थिंक कहीं वहाँ पे भी मीरा जस्टिफाइड थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये वापस आ जाएगी, वापस आ फिर हम मना लेंगे। नहीं, आई थिंक इतना बड़ा उसका ब्लंडर था नहीं, और उसने बेचारे कोशिश बहुत की कि ये सही तरीके से हो जाए, बड़ी कोशिश की उसको, उन्होंने बड़ा प्ले अप किया, लेकिन फिर ये चीज़ें ज़ाहिर ड्रामेटिक लाइसेंसेज होते हैं और उससे ड्रामा फिर इंटरेस्ट भी गेन करते हैं, क्योंकि बड़ा ऑडियंस में ना वो है कि मीरा देखिए बड़ी अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें इस ड्रामे में क्या उस ड्रामे में क्या, हमें तो बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ होता है। और मैं तो अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे भी बहुत अपसेट होते हैं, हमारे यंग बच्चे बहुत से ड्रामों में कहते हैं क्या है क्या बकवास है, लेकिन उसको फिर मिलजुल के जब अच्छा बनाया जाता है और जब उस पर टीम की एफर्ट लगती है और वो ये शक्ल इख्तियार करता है, तो देन वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। And I'm giving 200% credit to production house कि उन्होंने इतनी फराख दिली से इसके ऊपर इतना टाइम, इतना पैसा, इतनी अटेंशन इन्वेस्ट की है। अब ये छोटी मोटी चार छः चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, वो अलग बात है। उसमें मैंने सबसे पहले अपनी गलती कही कि मेरी गलती की, मैंने क्यों नहीं मुँह धोया, मैं तो बाल खोल के नोच लेती अपने, जोड़ा हटा के बाँ मारती दूर उठा के, अगर मैं होती। मगर मैं ये उस वक्त 4 बजे सिटी घूम रही थी, ये पट्टी तो नहीं चलेगी ना नीचे, तो गलती तो गलती है। तो लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने बहुत पैम्पर किया सबको, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा, बहुत लेविश किया, बहुत लार्जर देन लाइफ ट्रीट किया, उसी ने पे बैक किया। अब उसमें कंटेंट कहीं अच्छा है, कहीं बीच में बहुत अच्छा है, कहीं दरमियाना है, कहीं वीक है, वो चल रहा है, बट क्रेडिट गोज टू सेवन स्काई। यमुना और वहाज के बारे में कुछ आप बताएंगी, बहुत ऐसी चीज जो डिफरेंट हो जो उनके फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगे। बहुत प्यारे बच्चे, मतलब वैसे भी ओवरऑल अपने सारे जितने बच्चे हमारे यंग बच्चे हैं, लोगों को शिकायतें होती हैं कोई देर में आता है, कोई किसी का बिहेवियर शायद एरोगेंट होता है, हमें तो नहीं होता, हमारे तो बच्चे पाँव दबा रहे होते हैं प्यार में, क्योंकि मैं तो किसी को चैलेंज ही नहीं देती कि बेटे तुम क्यों इतनी देर में आए, या तुम्हें बड़े अफसोस की, पर नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। मेरे से कोई बच्चे नहीं डरते, कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं आपा हम पहली दफ़ा आपके साथ काम करे थे, पिछले किसी प्रोजेक्ट की बात करें, हमने कहा पता नहीं आप भी फलानी आपा की तरह होंगे, मैं कह नहीं बेटा मेरा ये जॉब नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आप कितने बजे आएंगे और कितने बजे क्यों नहीं आएंगे, नो मेरा इतने बजे आने का टाइम था। तो खैर यमुना वहाज बड़े अच्छे सुलझे हुए बच्चे और अपने काम में बहसते भी बहुत हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेस्ट बनाए, बेहतर किया जाए। एक्टर्स तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वहाज का तो आजकल मैंने उसको मैसेज किया था मज़े आ रहे हैं कहता जी, मैं कहा बीवी तो नहीं घबरा गई, कहते नहीं वो तो नहीं घबराई, मैं घबरा गया हूँ, मम्मी बड़ी खुश है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने कहा बेटे बस इसका मज़ा लो, अल्लाह मियाँ हर किसी को ऐसा वक्त नहीं देते, और जितना भी वक्त है वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ बच्चा है, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, मुर्तसिमी है वो, बिल्कुल है तमीज़ वाला बच्चा, और यमुना मिठाई है, और हमारी सबीना भी बड़ी मज़े की, वो तो इतनी मज़ेदार है, लड़ पड़ेगी मैं क्यों करूँ ये सीन है, मैं इसके बिस्तर में नहीं लेटूंगी, ये कोई तरीका, मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी आई हूँ, इतनी प्यारी लगी ऐसे कह लेगी, आप खुद बताएं ये कोई तरीका कि मैं लेट जाऊँ उसके बिस्तर में। मैंने कहा नहीं लेटना नहीं, नहीं भाई मैं पढ़ी लिखी है मास्टर्स है, ऐसी तो नहीं अब मैं ऐसे वैसे घर से थोड़ी, मैंने कहा लड़ पड़ी पर ठीक ठुक हो गई, लेकिन बड़ी अपनी प्रिंसिपल्स पे है वो। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया, उसको कोई प्रॉब्लम थी, आपा देखे ना वो लोग मुझे ये कह रहे हैं, मेरी डेट यूँ है, मैं अब क्या करूँ जो पता। मैंने कहा बेटे फिर ये बात कर लो, यूँ कर लो कर लो, हाँ पा मैं तो ये कह दूँगी फिर मैं तो, मैंने कहा बेटे तो कह दो, और मैंने कहा असद से कह दो, आप अब्दुल्ला से कह दो, कोई इशू है तो वो बाद में, आपा ठीक हो गया सब, मैंने कहा आपने मुझे, मैंने कहा तो आ तुम उनसे बात करो, वो बेचारे बड़े नाइस हैं इस मामले में, और वो सबकी बच्चों के साथ उनकी बड़ी है। तो खैर वो सब बच्चे बड़े अच्छे, हीरा भी बड़ी सुलझी हुई अच्छी बच्ची, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा टीम अच्छी आप लोगों की। हाँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी टीम। हाँ, लगती है सब जो भी आता है, सुहेल समीर बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए, और फरहान से तो मैं कहती हूँ फरहान अब एक पाउडर का नाम नहीं रही, उस वॉशिंग पाउडर से मुँह धो के आते हैं आप, उजले बिल्कुल उजले है ना मैं नाम नहीं ले रही, तो अल्लाह लगता है उससे धुले रहे फलाने मतलब पाउडर से। फजीला काजी भी इतना फजीला, पूरी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। बस थोड़े लेट आवर्स में हम लोग अपसेट हो जाते हैं बहुत, शादियों के फंक्शन बहुत जस्टिफाइड भी है, ठंड भी इतनी अच्छा, गर्मियाँ भी बेशुमार थी, फिर कोई सीन सर्दियों में आया, 8 महीने शूटिंग हुई है वो कंटिन्यूटी जी, तो फिर आप सोचे कि वो कपड़े पहने हुए और वो शॉल भी ली हुई है टिशू की, और उसमें और ठंड से, बल्कि ये लास्ट जो किसकी शादी थी पता नहीं, काफ़ी शादियाँ थी
मेरी तो बैक अकड़ गई ना बिल्कुल, पतला सा मैंने सिल्क का सूट पहना हुआ और ऊपर से खुला आसमान, और मैं कह रही हूँ कि मैं सुबह के 6 बज गए, रोशनी आ गई. ये होता है अक्सर ड्रामों में, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ. मैंने कहा मैं मुझे चक्कर आ रहा है, मैं एकदम ऐसी हो गई, मैं यूँ और मैं अकड़ के अकड़े होना है, क्योंकि है भी माँ बेगम नहीं हुए, 24 घंटे ही हुए, तो कोई ये भी नहीं कि चलो बैठ गया ऐसे. माँ बेगम ही नहीं हो सकती नहीं, माँ बेगम को हम लोग ये भी क्या हो गया माँ बेगम को, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे. तो अब उसमें आपने ठंडे ठंडे कपड़े पहने हुए और सुबह ही हो गई, रोने वाली, आंसू भी आ रहे जा रहे हैं, मगर क्या बोलूँ कि छोड़ के तो नहीं जा सकती ना. सही बात, करके भी जाना काम खत्म. तो ये चीज़ें होती है, मगर बात हार्डशिप होती है, ये आसान काम नहीं. मैं तो कह रही हूँ पता नहीं है लोगों को कितनी मेहनत. मैंने जब जाके सेट्स पे देखना शुरू किया तो मुझे और रिस्पेक्ट आई और वैल्यू आई कि अच्छा यार हम तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, बट आप लोग एक्चुअली गो थ्रू लॉट्स ऑफ ग्लैमर नहीं है, बहुत चीज़ है. बट इन्जॉय किया आपने माँ बेगम का कैरेक्टर करना, या बस सही था? ठीक था, मेरे ख्याल में मेरे लिए इसलिए चैलेंज नहीं, मैं इस तरह के काम करती रही हूँ. और थोड़ा सा आपकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस थोड़े से मुझे लगता है डिफरेंट है, ज़्यादा एग्जैजरेटेड है नहीं कि ये डायरेक्शन में. हाँ, सिराज का कहना था आप ज़रा बेस रखें, आप ज़रा बेस रखें, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत यंग है भाई. वो थोड़ा सा सिराज का था, आपा बेस, आपा बेस. मैंने कहा अच्छा ठीक है, और तो वो मैंने किया. कपड़े आपके पूरा जो ड्रेसिंग है, दुपट्टे, वो सब बड़े वो नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका वो थे, तो काफी खुले थे इसमें, मैं और आप दोनों आ सकते थे. आप कई दफा मेरे लोग रस्ते में कहते हाय आप तो बहुत कमजोर हो गए, मैं कहती कमजोर नहीं, वो कपड़े खुले थे. लेकिन मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने तो शॉल वॉल ही ले ली थी, मैंने कौन सी फिटिंग की कमीज पहनी थी. मगर ओवरऑल वो बड़ा उन्होंने अच्छा, मैरी ने बल्कि बहुत इसमें इन्वॉल्व हुई और बड़ी मोहब्बत से बनवाए कपड़े. इस मामले में वहाँ कोई कसर नहीं है. कह दें कि ये फलाम है, मुझे वहाँ पे मुझे आदत है साफ सफ़ेद बिस्तर पे बैठने की, तो जहाँ पे भी हम थे उनके घर में प्रिंटेड चादरें थी, तो मैंने कहा है मुझे घबरा, उसने फटाफट चादरें सफ़ेद बिछ गई. मैं वाइट बिस्तर पे बैठती भी हूँ और सोती भी, मेरे घर में सब वाइट बिस्तर है. मतलब तो इस तरह की कुछ भी हो, कोई किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी. तो इसमें मेरी ने बहुत कपड़ों में बड़ा इंटरेस्ट लिया, खुद से भी बेशुमार, कोई 5-7 मेरे पास भी थे, कोई 10-12 उन्होंने भी ढेर लगा दिया. सो इस मामले में मैं क्रेडिट बहुत देती हूँ सेवन स्काई की प्रोडक्शन को, बहुत ज़्यादा. चले अच्छा है आपने आज थोड़ा तेरे बिन के बारे में एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, और वो किया जो आई एम श्योर फैंस को सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. पहली दफ़ा किसी YouTube चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया है, पता चला. और इतना लंबा कि 4 दफ़ा चला सकती हूँ. अच्छा पता है कि मैंने एक ज़माने में कहना शुरू किया था, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे जब से इस चैनल वाले मैंने कहा देखो भाई मेरी 2 बेटियाँ, मैं 4 महीने कितनी दफ़ा सुनोगे, बोर नहीं हो गए तुम लोगों से? मैं कलिया में आई थी, फिर मैंने बच्चों के प्रोग्राम में आए, बस कर दो, जब मैं कोई नया काम करूँगी तब आना. अखबार वालों को भी मैं ये कहती थी उस ज़माने में, कहती देखिए मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैं किस बारे में बात करूँगी, तब मैं ये कहती थी. तो कहते थे अच्छा, मैंने कहा देखो फला दफ़ा आना जब मैं सीरियल ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बारे में आपके पास भी नए सवाल होंगे. ऐसा प्यारा टहला देती थी मैं सबको. क्योंकि मैंने कहा इतने माशाल्लाह, मैंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए भी तो बहुत है. ये भी हैं आप. अच्छा अब आप देखिए ना, वो भी हम लोग, मेरा शो होता था ब्रंच विद बुशरा, मैंने 100 लोगों के इंटरव्यू किए थे, उसके बाद मैंने खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उन 100 लोगों से बात करनी थी जो मुझसे ऊपर है, या कम से कम जैसे मेरे लेवल के, या सानिया भी कह लेंगी पापा मेरा तो पोर्टफोलियो ऐसा नहीं. मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो, सेंसिबल कमाल एक्ट्रेस है वो. तो जब मैंने देखा कि अब ये मेरी लॉट ख़त्म हो गई है जिससे मुझे बात करनी थी, क्योंकि मुझे तो अपने मेहमान को आसमान पर चढ़ाना ना, उसूल तो ये है ना, होस्ट का काम है अपने मेहमान को यहाँ बिठाए. बिल्कुल. तो मैं किसको बिठाती फिर बताएं, मेरे पास तो बच्चे अब फिर बाद में जो अभी लौट आई है 10-12 साल में, वो अब वो बच्चे कुछ ऐसे जिनसे बात करने का मुझे मज़ा आए. लेकिन बीच में एक टाइम था जब मैंने कहा कि बस अब आप बंद कर दें, मेरी अलग तनख्वाह लगी हुई थी, मैंने खुद ही कहा कि बस 100 के बाद. फिर एक मेरा शो चलता था एक चैनल पे ARY पे, नस्ल दर नस्ल, वो 2 जनरेशन का था. तो कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, एक मेरा जोडियक पे था जिन जिन के जो स्टार्स हैं. आपने तो, मैं वही कह रही हूँ ना, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ एक्सप्लोर की ना आपने. मतलब दिल यही चाहता था कि कुछ अनोखी बात हो. अब तो बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन ही, मुझे नाम भी नहीं आता, और फिर उनका फ़ोन आता तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा मेरा ये टाइप नहीं है जो आपका शो है ना, आप अपना शो करें, क्योंकि वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे ना. उनका थोड़ा आज़ाद सा शो है, जो भी लोग हैं 2-3-4-5 करते हैं ना, तो मैं उनको ये नहीं कहती कि तुम्हारा शो बड़ा ख़राब है, मैं कहती हूँ बेटे मेरे टाइप का नहीं है ना, और मैं तो वाकई बिजी बहुत हूँ. नहीं नहीं क्या आप वाकई बहुत बिजी हैं, आप वाकई बहुत बिजी हैं, एंड अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक वो बड़े, बिकॉज थिएटर थोड़ा सा बीच में कम होता है, या वो मुझे नहीं मज़ा आ रहा था जब मैं जितना गई हूँ, तो मैं अब
आई वांट टू गो बैक एंड वो थिएटर थिएटर टाइप नहीं है दैट्स समथिंग बट इन द सेंस कि स्टेज पे जाके नॉट लाइव नॉट ऑन टीवी नॉट ऑन यूट्यूब वही ना अब आप ये मिस कर रहे हैं ना अब आप हर चीज आपकी एंटरटेनमेंट सोफे पे बैठ के हो गई है तो वो जो आप पहले निकलते थे कोविड ने और हमें सोफे पे बिठा दिया तो मैं वो चाह रही हूँ कि हम जाएं और बस मेरी अपनी लाइफ के लिए जो मुझे मैंने जितनी चीज़ें अब तक कर सकी हूँ मेरे ख्याल में मैंने बिल्कुल 25% ही किया है बिकॉज साथ में घरदारी भी थी बच्चे भी थे सब था लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की तो अब मुझे लगा कि अच्छा चलो ये रिस्क भी लेके देखती हूँ एक नया काम है इसको इसकी भी कोई एक्साइटमेंट है सही बात है तो वो भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं आई थिंक आप कर रही हैं अच्छा ही होगा इसमें रिस्क कोई नहीं है हमें मजा आएगा आई थिंक इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज आई सेड मैं तो मिले तो मैं अभी और करें चलिए कभी आप दोबारा कुछ अरसे में जब आप फारिग होंगे अच्छा काम करूंगी फिर बुलाना ये वाला शो हो जाए ना आपका स्टार्ट तो उसके बाद करेंगे एक और सिटिंग वो मैं देख कर आऊंगी फिर उस पर बात करेंगे अच्छा कैसा है क्या है जब आपके पास टाइम हो बिकॉज आई नो आप बहुत ट्रैवल करती हैं हम कितने अरसे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बहुत अरसे से बट शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का एंड शेयरिंग सम रियली ग्रेट थॉट्स विद अस थैंक यू सो मच आई होप आज सुनने वालों को कोई नई चीज भी मिली हो कुछ लेसन भी मिले हों कुछ सीखा भी हो लड़कियों ने अल्लाह करे थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़